Hello everyone, uh, today I have taken some beautiful uh, problems on combinatorics, combinatorial geometry. It includes some uh, geometrical patterns uh, like system of points, lines, curves, regions, grades, uh, etc. etc. So, um, few I will start with few elementary problems. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Let's start with a uh, few elementary problems. There are uh, first question. There are okay. I would like to show you first of uh, uh, the questions I have taken today, so that uh, you may pause the video and you should try these questions by yourself. Then uh, definitely I'll explain these. Okay. So, your first question is there are end points on a circle joining these points. How many straight lines will be made? How many triangles will be made? How many polygons are sided polygon you can uh, find? Okay. बता सकते हैं देर आर एक और क्वेश्चन नीचे लिखा है देर आर एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल पॉइंट्स अ पॉलीगन इज मेड राइट जॉइन दीज पॉइंट्स अ पॉलीगन इज मेड फाइंड नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स देन हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स कैन बी सीन ऑन एन एट एन क्रॉस एन चेस बोर्ड थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है देर इज कॉन्वेक्स पॉलीगन ज्वाइनिंग थ्री ऑफ इट्स वट दिस ट्राइंगल्स आर फॉर्मड हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर हैविंग एक्जैक्टली टू साइड्स कॉमन विद द साइड्स ऑफ पॉलीगन

पहले से उनमें से आर पर्सन को उठाना है नो टू कॉन्गेटिव इज अ गुड क्वेश्चन देर आर देर इज एन एटीन सारी रेगुलर पॉलिंग थ्री ऑफ इट्स वर्ट इज इज ट्राइंगल्स ऑफ फॉर्म हाउ मेनी ऑफ दीज आर इक्यूलेटरल आइसोलेस स्केलिन राइट एंगल्ड ऑप्ट्यूज एंगल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स ये सारे डिफरेंट वराइटीज़ के क्वेश्चन टोटल तो जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो एटीन सी थ्री टाइप से होगा ना बट उनमें अब बाई है कि किस तरह के कितने ट्राइंगल मिलेंगे आपको ठीक है आप?

फाइन नंबर ऑफ शॉर्टेज पाथ फ्राम वन कॉर्नर एट टू अपोजिट कॉर्नर बी ऑफ एंड एट क्रॉस एट और एन क्रॉस एन में भी कर सकते हैं ग्रेड एफ एम क्रॉस एन में भी कर सकते हो आप इफ ट्रैवल अलॉन्ग ओनली अलॉन्ग हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स शॉर्टेज पाथ का मतलब है ए टू बी आपको राइट या अप जाना है ऑल्सो फाइन नंबर ऑफ पाथ विदाउट क्रॉसिंग द पॉइंट सी एज शोनिंग द फिगर राइट इन हाउ मनी डिफरेंट रीजन एन स्ट्रेट लाइन नो टू और पहले नो थ्री आर कॉन्ट ड्राउन अ प्लेन विल डिवाइड द प्लेन एन लाइन से कितने Uh, एक प्लेन में कितने रीजन डिवाइड होंगे एंड प्लेन uh, से मैक्सिम कितने रीज़न बन सकते हैं स्पेस में ये भी हम देखेंगे ठीक है इसके साथ साथ uh, तो ये बड़े अच्छे uh, क्वेश्चन uh, हैं uh, जो कुछ जोमेट्रिकल आस्पेक्ट से रिलेटेड हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट रीजन मैक्मम पॉसिबल एंड सर्कल्स ऑन अ प्लेन विल डिवाइड द प्लेन अभी लाइन था अभी ये सर्कल है इनसाइड हाउ मनी स्मॉल स्क्वायर्स देर इज वन क्रॉस ऑन स्क्वायर्स डायगोनल ऑफ एम क्रॉस एंड रेक्टाइगोल ग्रेड वेल इंटर एम क्रॉस एंड का ग्रेड है उसका डायगोनल बना दो वो डायगोनल कितने स्मॉलेट स्क्वेयर्स के अंदर से होता हुआ गुजरता हुआ जाएगा ये बताना है और इसमें हम फिर जनरलाइज कर सकते हैं कि एक क्यूबाइड है ठीक है एम क्रॉस एंड क्रॉस पी का उसका एक बॉडी डायगोनल लें तो वो बॉडी डायगोनल उस क्यूबाइड के क्यूबाइड के अगर उसमें वन क्रॉस वन क्रॉस वन के क्यूब्स छोटे छोटे क्यूब्स देखें मैं अगर उसको कन्वर्ट कर दें तो आ, कितने क्यूब्स होंगे एम एन पी क्यूब्स होंगे और कितने के अंदर से जाएगा वो बॉडी डायगोनल वो हमें बताना है जनरलाइज कर सकते हैं आप इलेवेंथ में इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द यूनिट स्क्वे ऑफ एन एम क्रॉस एन ऑफ एन यहाँ पे शायद या एन लिखना चाहिए ऑफ एन एम क्रॉस एन ग्रेड विद नंबर्स वन और माइनस वन सबसे द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन each रो as वेल well as इन कॉलम इज़ वन तो मतलब इसमें ये बताना है कि कितने आ, तरीके से आप इसमें वन और माइनस वन फिल कर सकते हो सो so देट कि कहीं भी अगर मैं प्रोडक्ट लूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन एवरी रो हर रो में प्रोडक्ट नंबर्स वन होना चाहिए कॉलम में भी एज वेल एज इन कॉलम तो जिसका बताना है हमें देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग एन क्रॉस एन ग्रेड विद व वन और माइनस वन सजेट इन एवरी टू क्रॉस टू ब्लॉक द सम ऑफ नंबर इज जीरो आपको हर टू क्रॉस टू में जो है आपको भरने हैं इन एवरी आई मीन वन क्रॉस वन ब्लॉक ठीक है ना सब में एक तो वन या माइनस वन भरना है ठीक है और इस तरह से कि हर टू क्रॉस टू में दो वन और दो माइनस वन आए तभी सम जीरो होगा राइट दो वन और दो माइनस वन ये कितने तरीके एवरी इन एवरी लाइट लाइक लाइक अगले वाला जो ये मैं लूंगा अगर तो इसमें भी सेम है मतलब ठीक है इसमें भी फिर राइट ठीक है सम ऑफ नंबर्स मस्ट भी जीरो टू वन टू माइनस वन ये कन्फर्म करना होगा ये शॉर्ट करना होगा इन एवरी टू क्रॉस टू राइट सम में ऐसे करके ठीक है तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें देन सपोज दैट थ्री नो थ्री डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स एंड गॉन मीट एन गेड फोर मीट इन द सेम इंटीरियर रीज़न ठीक है प्रूव दैट द नंबर ऑफ रीजन इंटू विच द पॉलीगन इज डिवाइड बाई इट्स डायगोनल्स आई मीन इसके डायगोनल्स हम बनाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन के एन साइड पॉलीगन के नंबर ऑफ रीजन इंटू विच द पॉलीगन इज डिवाइडेड पॉलीगन के अंदर कितने रीजन बने डिफरेंट ये बताना है ये प्रूव करना है ये नीचे लिखा है फिगर सो so इसको आप ट्राई कर सकते हैं खुद से एक बार और दीज दिस आर द क्वेश्चन टेकन टूडे

एन पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर जैसे सर्कल के ऊपर एन पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली इस पर जो पॉइंट्स होंगे नो टू पॉइंट्स विल बी नो थ्री पॉइंट्स विल बी कॉलीनियर कोलिनियर ओके तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो डेफिनेटली नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और किसी भी तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट की बात करें तो इससे सीधा सीधा जब जैसे आप ज्वाइन करोगे ना स्ट्रेट लाइंस कितने बनने वाले हैं तो बाय टेकिंग ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट सेलेक्ट टू पॉइंट्स आउट ऑफ दीज एंड पॉइंट्स उनको ज्वाइन कर दो एक लाइन बन जा रहा है ठीक है ना तो हाउ द लाइन इज मेड कोई भी चीज बनता कैसे उस पर हम जाते हैं लाइन इज मेड बाई टेकिंग एनी टू पॉइंट्स वी गेट अ लाइन सो आंसर इज आंसर मस्ट बी जो ए का आंसर होगा ए का आंसर हो जाएगा एन सी टू इंटू वन दैट इज एन इंटू एन माइनस वन बाई टू राइट जो बी पार्ट है हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी मेड तो बाई ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट्स कनेक्टिंग थ्री पॉइंट्स जैसे कि ये तीन पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया देर आर एन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट पॉलीगन इज मेड फाइन नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स जैसे अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉलीगन बना दो आप इस तरह से ये एन साइडेड पॉलिगन है और इनके अब देखो एन सी टू से क्या होगा या तो एडजस्टिंग साइड्स मतलब साइड ऑफ पॉलीगन बन जाएगा या फिर डायगोनल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे पॉलीगन जो एन साइड पॉलीगन है हमारा एक सेकेंड जो एन साइड पॉलीगन है उसमें मतलब ये जो आंसर है ना पार्टी का इसमें अगर आप माइनस कर दो द नंबर ऑफ साइड्स व्हेन द ठीक है वेन द टू पॉइंट्स आर टेकन कंजिवली आई I मीन mean, कितने साइड्स हैं दो पॉइंट अगर कंजूरीव लिया तो वो साइड बनेगा अगर कंजूरीव नहीं लिया तो डायगोनल बनेगा तो एन सी टू माइनस एन कर सकते हैं राइट right? तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका एक और तरीका हो सकता है कि हम इसको पहला वर्टेक्स एन तरीके से चुन सक चूज़ कर सकते हैं देन हमने आ, उसको आ, उसके नेबर्स को छोड़ के यानी तीन वर्टेक्स आप लीव कर दो उनमें से फिर आपको ये एक चूज़ कर लो बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डबल काउंटिंग होगी इसमें टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि पहला आपने सेलेक्ट किया सपोज आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया बाद में ये या आपने पहले ये चूज किया बाद में ये चूज़ किया होगा माइट भी सो तो इसमें सारे डबल डबल काउंटिंग आए नंबर डायनल्स तो ये एन इन टू एन माइनस थ्री बाई टू ये इसका जो है आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से कर सकते हैं आप इसको चाहें तो मैच करा सकते हैं जैसे ये एन इन टू एन माइनस वन बाई टू माइनस एन है सब जब आप टू कॉमन लोगे तो एन कॉमन लोगे तो एन माइनस ठीक है एन माइनस वन माइनस टू एन इन टू एन माइनस थ्री बाई थ्री राइट कमिंग टू नेक्स्ट हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स कैन बी सीन ऑन एन क्रॉस एंड चेस बोर्ड जैसे कि रेक्टेंगल्स की बात करें सबसे पहले रेक्टेंगल्स की बात करें कितने रेक्टेंगल्स होंगे तो एन क्रॉस एंड चेस बोर्ड में आप अगर वर्टिकल लाइन को जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको शो करूँ ये एक जैसे मान लेते हैं कि एक स्मॉलर चेस चेस बोर्ड है इसमें कितने साइड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव कितने ग्रेड का मतलब कितना स्मॉलेट स्क्वायर्स हैं थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर तो फाइव क्रॉस फोर का ये तो इसमें अगर वर्टिकल लाइंस कॉन्क्रेड करोगे तो फाइव की जगह वो एक्चुअली सिक्स लाइंस हैं सिक्स लाइन देखिए वी वन वर्टिकल लाइन वन वर्टिकल लाइन टू वर्टिकल लाइन थ्री फोर फाइव सिक्स और हॉडिजेंटल लाइन भी इस तरह से आपको यहाँ पे फोर सिक्स क्रॉस फाइव क्रॉस फोर था ये फाइव क्रॉस फोर का ब्लॉक था फाइव क्रॉस फोर के करोस्पॉन्डिंग हमें जो वर्टिकल uh, लाइंस मिल रहे हैं वो सिक्स हैं और जो हॉर्जेंटल लाइंस यहाँ फाइव हैं तो एक एक बढ़ जा रहा है ना तो यहाँ पे बाई चूजिंग एनी टू वर्टिकल हाउ द रेक्टेंगल इज मेड रेक्टेंगल बनता कैसे रेक्टेंगल बनता है बाय टेकिंग टू वर्टिकल लाइन रेक्टेंगल के जो बेसिक कॉम्पोनेट्स हैं वो दो वर्टिकल लाइन एंड दो हॉर्जेंटल लाइन के ज्वाइन से आई I मीन mean, दो हॉर्जेंटल लाइन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो हम क्या करेंगे कि दो वर्टिकल लाइन और दो हॉर्जेंटल लाइन चूज कर लेते उससे एक रेक्टेंगल बन जाते तो ए, तो इन सिलेक्शन ऑफ एवरी टू वर्टिकल लाइंस लाइन्स वर्टिकल लाइंस कितने हैं एन प्लस वन हो जाएंगे इन जनरल एन क्रॉस एन की बात कर रहे हैं एन प्लस वन सी टू इन टू अगेन नेवरी सेलेक्शन ऑफ टू वर्टिकल एंड टू हॉर्जेंटल लाइन दो हॉर्जेंटल चूज कर लो दो वर्टिकल यू गेट वन रेक्टेंगल तो दिस इन टू वन इज द आंसर दैट इज़ तो एन प्लस वन सी टू होल स्क्वायेयर यह आंसर हो गया अगर मैं स्क्वेयर्स की बात करूं तो आप देखो इसमें स्क्वेयर्स में तो ना इक्वल स्पेसिंग का केयर करना है तो वन क्रॉस हम हम यहाँ पर केसेस बनाने वाले हैं देखिए वन क्रॉस वन के कितने स्क्वेयर हैं वन क्रॉस वन के जो स्क्वेयर हैं डायमेंशन अगर मैं मैंशन करूँ डायमेंशन और नंबर ऑफ स्क्वेयर्स वन क्रॉस वन के जो स्क्वेयर हैं वो एन स्क्वायेर हैं टू क्रॉस टू के स्क्वायर्स हैं वो कितने देखिए यहाँ पे एक टू क्रॉस टू का ये बना दिया फिर अगला ये जाएगा नेक्स्ट इस तरह इधर जाएगा तो एक एक का आप जैसे कि आप एट क्रॉस एट में देखोगे तो सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन बनेगा यहाँ एन माइनस वन स्क्वेयर आएगा एन माइनस वन स्क्वायेयर यहाँ थ्री क्रॉस थ्री में आप चेक करेंगे तो ये इसी तरह से एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू दैट इज एन माइनस टू ऐसे करके आएगा सो आंसर है मस्ट बी सिगमा ऑफ आप कह सकते हो आर स्क्वा आर फ्रॉम वन टू एन ठीक है और इसको इसकी वैल्यू वैसे से बता पता एन इन एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन बाई सिक्स वी कैन से राइट सो दिस इज़ द आंसर तो ये नंबर ऑफ स्क्वेयर हो गए नंबर ऑफ रेक्ट हो गए ऑल राइट सिंपल एन क्रॉस एंच इज एन एन साइड कन्वेक्स पॉलिंग आई एव शोन ऑल दीज क्वेश्चन अर्लियर तो आप प्रोबेबली इसको आप खुद से सॉल्व करो ठीक है वीडियो पॉज करके कर सकते हैं तो आ, और सोल्यूशन में बता रहा हूँ तो आप आप फिर इसको वैलिडेट वा कर सकते हो अपने सॉल्यूशन को ठीक है तो देर इज एन एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन ज्वाइनिंग थ्री ऑफ इट्स वर्टिस ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन पॉलीगन एग्जैक्टली वन साइड कॉमन पॉलीगन नो साइड कॉमन विदिगन टू साइड कॉमन का मतलब है जैसे अगर मैं कोई पॉलीगन ऐसे ड्रॉ करूं जिस तरह से तो अब हमें क्या करना है टू साइड कॉमन विद साइड ऑफ द पॉलीगन तो यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल में ये बना रहा हूँ डायरेक्टली ये वाला ठीक है तीन पॉइंट ज्वाइन किया है इसको इसको और इसको दो साइड कॉमन के लिए आ, हमें ये करना होगा कि थ्री कन्जर्वेटिव वर्टिसेस चूज़ करने पड़ेंगे यही तरीका थ्री कन्जर्वेटिव वर्टिसेस चूज़ करने पड़ेंगे लाइक ये ट्राइंगल अगला तो यहाँ पे जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ ए वन ए टू ए थ्री फिर ए फोर आ जाए ए टू ए थ्री ए फोर आ जाएगा ऐसे लास्ट हो जाएगा ए एन ए वन ए टू टोटल एन आंसर हो गया तो फर्स्ट केस का जो आंसर है बच्चों केस नंबर वन इसका आंसर डायरेक्टली एन हो जाएगा ठीक है वन टू थ्री टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव बी समझ रहे एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद साइड ऑफ विदिंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन लेना है अब इसको मैं आ, शो करता हूँ जैसे मान लीजिए एक ही साइड कॉमन है तो आप तो एक ये कर सकते हो कि एक साइड चूज कर लो एक साइड चूज करने का तरीका एन है बिकॉज एन साइड सा दिया और उसके नेबर्स को छोड़ के आप बाकी जो वर्डिस हैं जैसे ये ए वन और ए एन और ए वन चूज़ किया जैसे मैंने ठीक है और उसके नेबर्स थे एन माइनस वन एन ए टू उसको रिमेन उसको लेफ्ट करके यानी चार दो तो हमने चूज़ कर लिए दो हमने नेबर छोड़ना है चार छोड़ के यानी एन माइनस फोर तो एन से आपने चूज किया आ, पहला एक साइड एक साइड चूज़ करने से हमें दो वर्टेक्स मिल चुके हैं और तीसरा जो वर्टेक्स है वो जो है वो हमें उस, उन दोनों जो सेलेक्टेड वर्टिसेस एंड द नेबर्स उनके जो नेबर्स हैं आसपास वाले उनको लीव करके यानी चार एन माइनस फोर ऑप्शन हैं फॉर द यानी यहां से लेकर यहां तक एन माइनस फोर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इनमें से कोई आपको एक चूज करना है तो यही आंसर हो जाएगा राइट तो आप फर्स्ट साइड चूज करो वर्ड के दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट टू सेलेक्ट टू कंजिवर्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क सेलेक्ट थर्ड वर्ड टेक्स बट नॉट कंजिव और इसमें कोई रिपिटेशन भी नहीं होने वाला है आप चेक कर सकते हैं जब भी आप नोट करेंगे कि ऐसे ऐसे लिया गया तो अगर आप करके देख सकते हो तो इसमें कोई रिपिटेशन नहीं है पार्ट सी पे आते हैं पार्ट सी से इज नो साइड कॉमन साइड ऑफ पॉलिंग तो वो टोटल ट्राइंगल्स थे एन सी थ्री राइट हमें पीछे भी किया हमने माइनस द केज वैन टू साइड्स कॉमन द केज वैन नो साइड कॉमन वन साइड कॉमन तो इससे माइनस कर, कर आ, जो है कॉम्प्लीमेंट्री केसेस से हमें नो साइड कॉमन का आंसर मिल रहा है uh, इसको अदरवाइज आप सेकेंड uh, दूसरी तरीके से भी कर सकते हो इसके लिए मैं जैसे जन जनरल क्वेश्चन लेता हूँ वाई थ्री मैं कहता हूँ क्वारिलेटरल uh, बनाना है या पेंचागन हेक्सागन बनाना है एन साइड पॉलीगन से जिसका कोई भी साइड कॉमन नहीं है by joining its four five or six uh, etc etc vertices jaise maine n -s -s convex sided convex polygon se r sided uh, r uh, vertices choose karke r sided polygon banaya hai yahan pe uh, is question mein keh raha hai ki kitne r sided polygon honge jinme no side of it is common with the side of the given first yani ki n sided convex polygon theek hai तो करना है क्या है कि अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं जैसे कि पहला वर्टेक्स हमने चूज किया ट्रायंगल वाले केस में भी कर सकते हैं यहाँ पे जनरलाइज मैं बता रहा हूँ पहला वर्टेक्स चूज करने के एन सी वन तरीके ठीक है थीके? दूसरा वर्टेक्स हम कहां पे ले सकते हैं तीसरा वर्टेक्स कहां पे ले सकते हैं इसके लिए हमें सपोज ऐसे करके मान लो ऐसे कुछ ऐसे करके मान लिया ठीक है अब ये मान लो ए वन है ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन अब आप इसमें से आर चूज़ करना है नो no टू vertices must मस्ट बी आई मीन नो वर्टेक्स नो टू must be uh, consecutive. मस्ट बी तभी हमें कॉमन साइड नहीं मिलेगा ठीक है ना तो आपको एक वर्टेक्स चूज कर लिया अब एक vertex करने से क्या होगा? साइक्लिक चीज़ है ना थोड़ा इसको हम ब्रेक करेंगे और इसका जो आ, कह लें कि नेबर्स हैं उनको हटा के हम यहाँ से अब सपोज मैंने ए वन चूज़ किया और ए वन के जो नेबर्स हैं ए टू ए एन उनको छोड़ के बाकी ये जो एन माइनस एन माइनस थ्री लेफ्ट तो हमारा जो सिलेक्शन था फर्स्ट वाज ए वन हालांकि फर्स्ट वर्टिस चूज़ करने के टोटल एन सी वन तरीके तो एन सी वन यानी एन वेज हैं तो इट में बी ए वन इट में बी ए टू इट में बी ए थ्री एन सी वन इन टू ना आई हैव दिस इज दिस इज लाइक अ लीनियर और मतलब एक इसको आप स्ट्रेट कर सकते हो या फिर ये इस तरह का चीज़ है ठीक है ना इसमें हमारे पास वी हैव एन माइनस थ्री पॉइंट्स समझिए इसको अब इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं लीनियर में जैसे कि आपको एन माइनस थ्री में से कितने चूज करने आउट ऑफ वेज एन माइनस सॉरी आर माइनस वन टोटल आर साइड पॉलीगन बनाना ना तो एक तो हम चूज कर चुके हैं ठीक है अभी हमें आर माइनस वन इज सेलेक्टेड फ्रॉम या आउट ऑफ एन माइनस थ्री वर डिस नो टू कंजेटिव विद अ कंडीशन नो टू मस्ट मस्ट भी कंजर्गेटिव मतलब नो टू कंजर्गेटिव होना चाहिए कोई भी दो कंजर्गेटिव नहीं होना चाहिए आई मीन तो इसके लिए तरीका वही है कि जैसे इट इज लाइक कि हमें एन माइनस थ्री में से आर माइनस वन निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि एन माइनस थ्री आप समझ लो एन माइनस थ्री माइनस आर माइनस वन कर दें इसमें से मैं आर माइनस वन रिमूव कर दूं पॉइंट्स तो एज इफ कि हमारे पास एन माइनस थ्री माइनस आर माइनस वन पॉइंट्स हैं इनमें आर माइनस वन फिल करना है इसको मैं प्ले uh, को रिवाइंड कर रहा हूं एक तरह से जैसे कि मान लो दस में से तीन निकालने तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सात में तीन डालने हैं इस तरह से कि कोई भी दो प्लेसमेंट कॉन्जिकव नहीं है दस में से तीन निकालो जैसे टेन पॉइंट्स उनमें से थ्री पॉइंट निकालो नो टू कन्जर्गेटिव होने टेन पॉइंट्स इन अ रो यू हैव टू सेलेक्ट थ्री तो तीन निकालो नो टू कन्जर्गेटिव इट इज सिमिलर टू प्ले को डिवाइन कर दें कि ऐसा लगेगा कि जब प्ले को डिवाइन करोगे जब चीज़ें निकल रही हैं और प्ले डिवाइन करें तो ऐसा लगेगा कि सात दस में से तीन निकलते वक्त आ, निकालने का जो प्रोसेस है उसमें अगर प्ले डिवाइड करें तो ऐसा लगेगा कि सात में तीन रख रह रहे हैं और नो टू प्लेसमेंट कॉन्जर्गेटिव तो ये ना गैप मेथड से हो जाएगा तो जैसे कि एन माइनस थ्री माइनस आर माइनस वन इनमें ठीक है ये मैंने निकाल दिया और अब अब इनमें से कितने चूज करने वन चूज करने हैं तो अब क्या होता है गैप मेथड में कि प्लस वन करते हैं राइट प्लस वन तो ये जो चीज है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रीम जो गैप है उसको भी देखा जाता है ना सी आर माइनस वन बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा यही आंसर है बट इसमें रिपीटेशन है बच्चों इसमें रिपीटेशन इक्वल नंबर एवरी आर साइड पॉलीगन जो है वो कितनी बार एक बार काउंट नहीं हुआ एक्चुअली हमें एक बार काउंट करना है होता है ना हर चीज़ को हर डिफरेंट चीज़ को हमें ये जो है ना टोटल ना इसमें पता है कितनी बार काउंट हो जाएगा आर टाइम्स काउंट हो जाएगा क्योंकि आप सोचो कि एक यहाँ चूज़ किया एन सी वन में ठीक है और बाकी मैंने आर माइनस वन एक साथ चूज़ किया फिर मान लो कि मैं बोलूँ कि कोई एक पर्टिकुलर केस लूँ तो उसमें पहला वर्टेक्स शायद यहाँ पे चूज़ किया गया है बाद में आर माइनस उसका जो दूसरा वर्टेक्स हमने पहले चूज़ किया होगा बाद में आर माइनस वन तीसरा ना टोटल आर से डिवाइड करना पड़ेगा डिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय आर टू तो गेट द एक्चुअल आंसर ये आंसर हो जाएगा इसका मतलब है ये आंसर है एन बाई आर इन टू एन माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन ये आंसर है जनरल एन आर में जनरल कर सकते हैं आप इन जनरल इन जनरल तो ये आंसर जैसे आप एन इक्वल टू थ्री पे कर सकते हो तो जैसे एन बाई थ्री एन माइनस थ्री माइनस एन माइनस फोर सी टू लास्ट क्वेश्चन पे आता है एन माइनस फोर सी टू तो देखिए इसको आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं एन बाई थ्री इन टू एन माइनस फोर सी टू आप चेक कर सकते हो इसमें जैसे एन इन टू एन माइनस वन इन एन माइनस टू बाई सिक्स है ये एन है ये एन इन टू एन माइनस फोर है तो देखिए कितना बन रहा एन इसमें एन कॉमन ले लिया सिक्स कॉमन ले लिया तो बचा एन स्क्वेयर माइनस थ्री एन प्लस टू ठीक है माइनस सिक्स कॉमन ले लिया सिक्स आ जाएगा एन कॉमन लिया था माइनस एन कॉमन लिया था तो सिक्स एन प्लस हो जाएगा फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर राइट तो ये कितना बन रहा देखिए n by 6 n is square minus 9 n plus uh, 20 all right so and this is what n by 3 n minus 4 into n minus 5 by 2 so this is again n by n by 6 n, in, n minus 4 into n minus 5 you can this same n by 6 n minus 4 n minus 5 कुछ इस तरीके से राइट ये जनरल आंसर है हमारे पास यहाँ पे एन के केस में वेरी यूजफुल रिजल्ट और इसमें लीनियर का भी तरीका मैंने आपको सिखाया जैसे यहाँ पे आर एन माइनस आर माइनस वन जी आर माइनस वन जो लिखा है ठीक है तो ये इस तरह से हो सकता है देर आर देर इज एन एन साइडेड साइड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साइड रेगुलर पॉलिकन ज्वाइनिंग थ्री ऑफ वर्डिस ट्राइंगल्स है किस तरह के ट्राइंगल्स में बाईफोकेशन किया हाउ मेनी ऑफ आर इकुलरल ट्राइंगल्स आइसोसिलिस ट्राइंगल्स स्केलिंग ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स ऑप्टूज ट्राइंगल्स एक्ट ट्राइंगल्स ओ माई गॉड इस सारे तरह के ट्राइंगल्स हमें बताने हैं इसमें ठीक है रेगुलर पॉलीगे ने यह ध्यान रखिएगा एटीन साइड रेगुलर पॉली तभी हम रिकुलेटर की बात कर सकते हैं ठीक है ना तो अब देखिए कि मैं इसमें जैसे उस रेगुलर किसी भी रेगुलर पॉली का नहीं एक यूनिक सरकम सर्कल होता है अगर मैं सरकम सर्किल इसका ड्रॉ कर दूँ रफली कुछ इस तरह से और ये मान लो कि साइड एवन है हालांकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स एवन दिए हैं तो मैं एक अपोजिट जैसे आप ए वन के साथ जो डायमीटर बनेगा ना डायमीटर थ्रू ए वन तो वो जाएगा यहाँ पे टोटल कितने थे एटीन थे दो निकाल दिए तो सिक्सटीन बचे ना सिक्सटीन आठ आठ तो यहाँ आठ ए वन से लेके ये नाइन ए टेन हो जाएगा ये ए टेन राइट और यहाँ जैसे ए नाइन आएगा यहाँ एट आएगा ए A6, ए सिक्स ए फाइव ए फोर वन टू थ्री कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ ए टेन है ए इलेवन है ए ट्वेल्व है एंड सो ऑन ए थर्टीन भी ले लेते हैं पूरा ही कर दें क्या ए फोर्टीन चलो यार फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन अब देखिए आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं अब इसमें आप ये सरगम सेंटर हो गया तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इक्वल ट्रैंगल्स की बात करें बच्चों जैसे कि आप दिख रहा हो इक्वल स्पेसिंग चाहिए इक्वल्टर में इक्वल स्पेसिंग ट्रैंगल तो ए वन टोटल एटीन है तो अब छः छः के डिवीजन चाहिए तो ए वन और ए सेवन लेना चाहिए शायद मुझे क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो जैसे मैं सेवन वाले को ज्वाइन कर दूँ और फिर थर्टीन छः ऐड किया छः ऐड किया तो ये थर्टीन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल तो ये इक्वल ट्राइंगल है ऐसे ए टू के साथ आएगा ए टू ए एट ए फोर्टीन ए थ्री ए नाइन ए फिफ्टीन ऐसे फोर ए फोर के साथ आएगा ए फाइव के साथ एक ए सिक्स के साथ आएगा तो आगे और फिर ए सेवन के साथ रिपीट होगा फिर ए एट के साथ भी रिपीट होगा बिकॉज वो ए टू ए एट ए में आ गया था तो यहाँ पे टोटल दिखाया तो छ ही बनने वाले हैं ए वन ए टू के साथ फिर ए के साथ जो आप देखोगे फिर टोटल नंबर ऑफ इक्ल ट्रैंगल्स की बात की जाए दैट मस्ट बी आंसर अगर बात करूं ए पार्ट का तो ये है ओनली सिक्स तो अगर नंबर ऑफ साइड्स थ्री के मल्टीपल हैं जैसे जनरल आंसर होगा एन बाई थ्री इफ एन इज़ मल्टीपल ऑफ थ्री इफ एन इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री आंसर वुड बी जीरो मैं थोड़ा जनरलाइज भी करके कुछ केसेस में बताने वाला हूँ आइसोलिस ट्राएंगल्स कितने हैं सोचें आप तो आइसोलिस ट्रैंगल में जैसे कि

फिर एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा तो ये हो गया एक ऐसे और बनेंगे कितने बनेंगे सोचो आप दो दो करके हमें पेयर लेना है एक लेफ्ट एक राइट में तो ए लेट द वर्टेक्स ज्वाइनिंग इक्वल साइड्स बी ए वन एंड दैट कैन बी ए टू ऑलो दैट ए थ्री ऑल्सो दैट वर्टेक्स कैन बी सिलेक्टेड इन टोटल एटीन वेज एटीन हो गया एंड सपोज इसका कोई एक केस जैसे ए वन इज दैट वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स ज्वाइनिंग वर्टेक्स मीटिंग कॉमन साइड इक्वल साइड्स तो हमें जो अब जो uh, इसके साथ दो वर्टेक्स सुनना है एक लेफ्ट और एक राइट right में इक्वल स्पेसिंग पे तो वो टोटल uh, कितने हो जाएंगे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसमें टोटल हो जाएंगे ए uh, टू से लेके ए तक यानी कि एट हो जाएंगे तो यहाँ एट यहाँ पे बट इसमें हमें इक्वेलेटरल मिस करना है तो यहाँ सेवन लूंगा मैं ठीक है इसमें ये मैंने आइसोसेलिस बट नॉट इक्विलेटरल वो लिया प्लस करने वाले हैं इक्विलेटरल अलग से ये हो गया इक्विलेटरल वाला बिकॉज इक्विलेटरल आर आल्सो आइएसलिस तो ये हो जाएगा टोटल एटीज इंटू सेवन इज वन ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स इज वन थर्टी टू आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इसको एटीन इंटू एट uh, ही कर देते बट इक्वेलेटल्स हमें माइनस इक्वेलेटर लेकिन हर ना तीन बार काउंट होगा तो दो बार इक्वेलेटल माइनस करना होगा ये फिर से तो ये वन थर्टी टू आ जाएगा राइट तो ये कर सकते हो आप सी पार्ट में हमारा है स्केल इन ट्राइंगल स्केल ट्राइंगल ऑब्वियसली टोटल माइनस आईसो तो ये हो गया एटीन सी थ्री माइनस वन थर्टी टू ना वॉट इज द वैल्यू ऑफ एटीन सी थ्री तो so 18 इंटू सेवनटीन इंटू सिक्सटीन बाई सिक्स सिक्स थ्री कट करेंगे और ये माइनस वन थर्टी टू इट इज़ फिफ्टी वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटी इंटू फिफ्टी इज एट हंड्रेड सिक्सटीन माइनस वन थर्टी टू एंड दैट शुड बी सेवन सिक्सटीन सेवन सिक्स हंड्रेड एंड सेवन एक मिनट एटी फोर सिक्स हंड्रेड एट्टी फोर शुड बी द आंसर राइट तो ये इसका आंसर रिमेनिंग थ्री केसेस बच्चों में नेक्स्ट फेज पे लेने वाला हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्टू एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल वैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं डी पार्ट की बात की बात, बात करूँ तो यहाँ पे ये जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट ये है जैसे मैं आई एम मेकिंग अ ट्रैंगल लाइक मैं ये वाला बनाता हूँ विद ए वन ए टेन एज वन ऑफ द साइड्स ए वन ए टेन एज वन ऑफ द साइड्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इसमें डायमीटर वन साइड मस्ट बी डायमीटर ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल तभी तो ये सर्किल की प्रॉपर्टी से ना राइट एंगल ट्राइंगल है सेमी सर्किल वाला जो कंसेप्ट है इस तरह से तो ए वन ए टेन एक डायमीटर मतलब इज वन ऑफ द साइड तो वन ऑफ द साइड मस्ट भी द डायमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है और उसके साथ जो कोई भी वर्टेस ले सकते हो टू ले सकते हो ए सकते हो कोई भी, भी इधर पकड़ लो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने वाले. जैसे कि ए वन ए टू ए ट एन ए वन ए थ्री ए ट ए वन ए फोर ए ट एन तो एवन एटीन फिक्स कर दिया आपने एवन एटीन फिक्स करने कितने वेज हैं डायमीटर कितने है टोटल अपोजिट वर्टिसज ज्वाइन करके करने के टोटल एटीन था ना तो नाइन हो जाएगा नाइन मतलब पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्डिसज तो नाइन इन टू और कितना इधर से भी ले सकते हो फिर ए वन ए सेवनटीन ए टेन ये भी राइट एंगल तो आपको बस एक वर्टेक्स चूज करना है राइट आफ्टर टेकिंग टू अपोजिट वर्टिसेस, दैट कैन बी सेलेक्टेड इन नाइन वेज नाइन पेयर्स हो जाएंगे ना अपोजिट वर्टिसेस के सेवन ए टेन ए टू एलेवन ए थ्री ए करके, तो नाइन इंटू और रिमेनिंग एक चूज़ करना है वर्टेक क्योंकि दो वर्टे के अपोजिट हम ले लिया एक वर्टेक्स और चूज़ करना है वो टूवल्व जितने बच्चे इसमें इसमें से कोई भी एक हो सकता है तो so, 16 बच गया तो 16 इंटू ये मैं नेक्स्ट पेज में इसका आंसर डी पार्ट का लिख रहा हूँ तो डी पार्ट का आंसर है तो इसका आंसर तो सिक्स आ गया था इसका आंसर आई थिंक या वन थर्टी टू सिक्स एटी फोर वन थर्टी टू सिक्स एटी फोर इसका हो जाएगा एटीन था ना तो नाइन आ जाएगा नाइन इंटू सिक्सटीन ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर ऑल राइट अब मैं बात करूँगा ऑबट्यूज़ की तो इसका आंसर है नाइन इंटू सिक्सटीन देखा आपने वन फोर ना ऑप्टिज़ एंगल ट्रायंगल कितने होंगे ऑप्टिज़ एंगल फिगर में रेफर करने वाला हूँ इसी को तो देखिए इसमें ऑप्टिज़ एंगल ट्रायंगल की बात करें तो किस तरह से लेना है आ, इसमें मैं जैसे कोई एक वर्टेक्स चूज करा ठीक है ध्यान से देखिए इसमें कोई एक वर्टेक्स चूज कर लो ए वन जैसे और एवन को अपोजिट कॉर्नर से यानी कि ए टेन से कनेक्ट कर दो इस हाफ सर्कल यानी कि इस हाफ सर्किल में देखो ऑप्टिज एंगल ट्रा एंगल कन्फर्म कैसे होता है कि हमें नाइनटी से बड़ा करना है एंगल राइट right? तो अगर मैं ए वन ए थ्री ए नाइन ले लूँ ए वन ए थ्री ए नाइन इज ऑप्टूज बिकॉज ये नाइन्टी से बड़ा हो जाएगा ए वन ए थ्री ए नाइन तो बेसिकली करना ये है कि आप हमेशा ना डायमीटर के एक तरफ रहो ए वन चूज किया पहला वर्टेक्स देन ए वन के थ्रू जो डायमीटर ए वन एटेन आ गया उसके हम राइट से यानी हम ना ऐसे करके क्लॉक वाइज ऐसे मूव करेंगे ठीक है तो इस एवन विद वन ऑफ द विद एवन एजन ऑफ द दर्टिस ऑफ द ट्राएंगल नंबर ऑफ ऑब एंगल ट्राएंगल कितने हैं ठीक है मतलब आप देखिए यहाँ पे तो हमें इस हाफ में ए वन एटेन के राइट हाफ में तो हमें जो है दो वर्टेक्स चूज करना पड़ेगा इस सेक्शन में देखा जाए तो कितने ए ए टू से लेकर ए नाइन तक में कितने वर्डिस हैं टोटल एट वर्डिस हैं एट में से दो चूज़ कर लो रैंडमली कोई भी दो चूज़ कर लो लाइक ए थ्री ए नाइन और एक ए वन है ये ऑप्टिव जाएगा ए वन ए फोर ए सेवन ले सकते हो आप ये ऑप्टिव जाएगा ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में एंगल नाइन्टी से बड़ा है यहाँ देख लो एंगल नाइनटी ये नाइन्टी था और उससे ज़्यादा हो गया ये एंगल ये एंगल नाइन्टी से बड़ा है ठीक है एंड इट्स ऑप्टिवज है ये ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल बचाने का एक तरीका और है एक सेंटर सेंटर सरगम सेंटर मस्बी आउटसाइड द ट्राएंगल सरकम सेंटर ऑप्टोजेंगल ट्रेंगल में ट्राइंगल के बाहर होते हैं ऑप्टोजेंगल ट्राइंगल के का सरगम सेंटर ट्रैंगल के बाहर होता है सेंटर देखो यहाँ बाहर हमने लिया हुआ है इस तरह से फिर ए टू से स्टार्ट करें ए टू के साथ जो हम बनाएंगे फिर ये वाला हाफ इसमें दो वर्टेक्स चूज कर लेंगे और ये कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि पुराने वाले में क्या था कि ए इलेवन कभी भी हमारा वर्टेक्स नहीं था अभी नए वाले में ए इलेवन वन ऑफ द वर्डेस होना ही होना है तो ये ट्राइंगल डिफरेंट आएगा पुराने सारे ट्राइंगल्स इस फिर ए को ले लेंगे तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो फर्स्ट वर्टेज चूज करने के टोटल एटीन वेज हैं और उसको हम अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करके डायमीटर बना के उसके एक साइड का वो भी हम क्लॉक uh, वाइज ले, ले लेते हैं ठीक है ना क्लॉक तो हमें यहाँ पर रिपीटेशन नहीं आने वाला तो आंसर मस्ट भी एटीन इंटू एट सी टू समझा रहा है एक हाफ का लेना आपको ताकि रिपीटेशन ना हो दोनों साइड के लोगों टू से डिवाइड करके करना पड़ेगा डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना तो ठीक रहेगा तो यहाँ लिखने वाले हूँ मैं एटीन इंटू एट सी टू इसको जनरलाइज कर सकते हैं आप जनरलाइज कैसे होगा तो जन जैसे एन है तो एन इन हो जाएगा आप उसमें से अगर एन इवन है या और देखना पड़ेगा तो उसके हिसाब से फिर एक हाफ लेके सी कर देंगे ठीक है ना जैसे एन अगर मान लीजिए इवन है तो एन माइनस करके सी आ, कर ले मतलब एन माइनस टू बाई टू करना पड़ेगा एन माइनस टू बाई टू कर लेंगे हाफ लेके दो तो हमने अपोजिट ले लिया सी टू कर देंगे जा 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 तो ये सीधा ऑप्टिव आ जाएगा तो ये एटीन इंटू एटीन एट सी टू इज़ आई थिंक ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी एट इंटू एटीन तो ये आ जा रहा है ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स दैट इज़ फाइव जीरो फोर ऑल राइट तो इतने ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली टोटल टोटल माइनस राइट कर लेते हैं माइनस ऑफ यूज़ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अगर इवन नंबर ऑफ साइड्स ना हो तो राइट एंगल ट्राएंगल ज़ीरो होगा राइट और नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ साइड्स ना हो तो मतलब और नंबर ऑफ़ साइड्स हो तो राइट एंगल ट्रैंगल जीरो होगा इवन नंबर ऑफ साइड्स हो जैसे मान लो कि एन इवन है तो एन साइड पॉलीगन में कितने एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राएंगल बनेंगे तो वो मैंने अभी जैसे एटीन बताया था नाइन इंटू सिक्सटीन बताया ना उसमें हो जाएगा आपका एन बाई टू अगर एन इवन है तो एन बाई टू इंटू एन माइनस टू एन बाई टू इंटू एन माइनस टू तो वो राइट एंगल ट्राइंगल अगर एन ऑड है तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल जीरो आने वाला है तो ये टोटल कितना था बच्चों टोटल देखें टोटल था एन सी थ्री यानी कि एटीन सी थ्री दैट इज एटीन सी थ्री की, uh, की वैल्यू कितनी आई थी एट हंड्रेड सिक्सटीन ना एट हंड्रेड सिक्सटीन तो एटीन सी थ्री एट हंड्रेड सिक्सटीन माइनस राइट एंगल वन फोर्टी फोर माइनस ऑफ ट्यूज फाइव जीरो फोर तो इट शुड बी एटीन फोर फोर एट आ जाएगा ये ठीक है ठीक है तो वन सिक्सटी एट बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर फाइव देर आर एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स फॉर्म बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इन साइड द सर्कल ओके मैक्सिम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन डिसम बाई लाइन अच्छा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एन पॉइंट्स ले सर्कल पर एंड पॉइंट वन टू थ्री फोर कोई भी जो अगर हमें क्वेश्चन क्लियर आपको इनको ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन्स बनाना है ठीक है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स फॉर्म बाई दीज पॉइंट्स इन साइड द सर्कल जैसे मैं रैंडमली सपोज ये एक लाइन लिया और एक लाइन मैंने सपोज ये लिया देखो ऐसे करके तो ये दोनों लाइन जो है ना इन साइड द सर्कल मीट नहीं कर रहे बाहर मीट कर जाएंगे वैसे लेकिन इन साइड द सर्कल मीट नहीं कर रहे तो इन साइड द सर्कल मीट करने जैसे मैं कोई और केस लेता हूँ जैसे कि ये कैसे लेता हूँ इन दोनों को कनेक्ट कर दो और फिर इन दोनों को तो ये एक पॉइंट आ रहा है हाथ द थिंग्स आर क्रिएटेड उस उस पर हमेशा सोचना चाहिए आपको उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है अ पॉइंट इज हेयर द पॉइंट इज क्रिएटेड इस पॉइंट की बात इसे पीछे की स्टोरी क्या है ये पॉइंट कैसे बना ये पॉइंट बना दो क्रॉस करने से क्रॉस करने से ही बनेगा और क्रॉस कैसे करें मतलब दो लाइन क्रॉस क्रॉस होना चाहिए तो दो क्रॉस मतलब एक ये लाइन है एक ये लाइन है तो हर दो लाइन के पीछे की स्टोरी है दो पॉइंट तो इस पॉइंट के पीछे दो लाइन था और इस दो लाइन के पीछे चार पॉइंट है ये वन टू थ्री फोर तो अगर मैं कोई भी चार पॉइंट सोचूँ उस चार पॉइंट से मैं क्रॉस कर दूँ मतलब पहले को तीसरे से अगर एक ऑर्डर में चल रहे हैं आप जैसे क्लॉक वाइज ऑर्डर में देखिए पहला पॉइंट ये है दूसरा ये है तीसरा ये है पहला, पहला ये था दूसरा ये था तीसरा ये चौथा ये तो मैं पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से ज्वाइन कर दूंगा एक पॉइंट इस तरह का आ जाएगा हमारा तो इन एवरी सच प्रोसेस गेट वन सच पॉइंट तो हम इन पॉइंट देगा तो बैक स्टोरी में कितने पॉइंट चल रहे चार पॉइंट चार पॉइंट कोई भी चूज कर लो उनके चारों पॉइंट को अल्टरनेटली uh, कनेक्ट कर दो मतलब पहले को तीसरे से दूसरे को एक पॉइंट बन जाएगा और कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना कोई भी किस छूटेगा नहीं आप चेक कर सकते हैं सो आंसर डायरेक्टली इसका है सेलेक्टिंग एन फोर आउट ऑफ एन तो एन पॉइंट में से किसी भी चार पॉइंट को चूज कीजिए और क्रॉस कर दीजिए जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया हुआ है आंसर यही हो जाए डायरेक्टली दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एन सी फो डायरेक्ट ऑल राइट सो कमिंग टू नेक्स्ट नंबर सिक्स इन अ प्लेन देर आर एन लाइंस नो टू जैसे आप क्वेश्चन ठीक है ना बच्चों ये क्लियर है जैसे मान लो मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ मैं इस पॉइंट के बारे में सोचता हूँ तो ये बना है थोड़ा सा और क्लियर कर मैं मुझे लगा शायद आप अभी सोच रहे हैं इस पर ये पॉइंट कैसे बना बेसिकली इसके पीछे दो लाइन जो जिस दो लाइन का मीटिंग पॉइंट है ये उस दो लाइन के पीछे ओरिजिनल सोर्स से आपने क्या लिया है चार पॉइंट लिया है तो एन सी फोर इन एवरी सिलेक्शन ऑफ फोर पॉइंट वी गेट वन सच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पूछा गया इसमें तो एन सी फोर इंटू वन इज द आंसर राइट ये बेस्ट तरीका है उस क्वेश्चन करने का इन अ प्लेन देर आर एन लाइन नो टू ऑफ विच आर पैलर नो थ्री आर हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वर्ट इस ओके एक प्लेन में ना एन लाइन्स है वन टू थ्री फोर जैसे ये बनाया मैंने अब मान लो सपोज चार लाइन है एन की जगह फोर है मान लीजिए तो अब ये कह रहा है कि कोई भी दो लाइन कॉन्करेंट नहीं है कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं है और कोई भी दो पैडल नहीं है हम नहीं ट्रायल्स का यूनिफॉर्म यूज जियर पॉइंट जैसे इनका पॉइंट ऑफ डिसशन क्या आ गया जैसे मैं और भी लाइन बना दूँ क्या एक और बना देता हूँ सपोज आई मेक वन मोर लाइन सॉरी ये थोड़ा सा यार कौन बन गया ना तो ठीक है अभी जैसे इसी से बात कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं चार लाइन के केस में कुछ नए लाइन्स आप बना सकते हो मतलब ट्राइंगल बनाना है तो देखो ट्रायंगल अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूँ जो कि एक ही लाइन पे है उसे ट्राइंगल नहीं बनेगा बट अगर मैं इसको इसको और इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये जो है एक ट्राइंगल है बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंडियर इस चार लाइने केस में छ बन रहे थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट इन छ में से कोई भी तीन चूज किया ना सिक्सटी थ्री इज नॉर्थ देंसर सिक्सटी थ्री इज नॉट द आंसर बिकॉज अगर ये तीन चूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप से कि अगर जनरल एन लाइन्स हैं तो किसी एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे कोलिनियर मतलब एनी लाइन विल विल हिट बी हिट बाई द रिमेनिंग एन माइनस वन लाइन्स एन माइनस वन पॉइंट्स जैसे चार लाइन है तो चार हर हर लाइन पे तीन पॉइंट दिख रहा होगा आपको तो एन लाइन है तो हर लाइन पे एन माइनस वन पॉइंट दिखेंगे दूसरे एन माइनस वन लाइन से हिट हो रहा होगा वो तो उनमें से आप माइनस कर दो मतलब उन दैट सी थ्री आप समझ रहे हैं तो पहले तो ये बताइए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है ना इंटरसेक्शन ऑफ एन लाइन्स है नो टू आर पहले नो थ्री आर करेंट दैट इज एन सी थ्री ठीक है इसको मैं एन कह देता हूँ कैपिटल एन ठीक है लेट कर लेते हैं नाउ थ्री ऑफ दीज एन आर ज्वाइंट बट द प्रॉब्लम इज तो ये कितने NC3 वेज हो जाएंगे एन सी थ्री वेज द प्रॉब्लम इज कि सब्ट्रैक्ट करोगे सबट्रैक्ट द केसेस टू मेक ट्रायंगल्स ये इतने एन सी थ्री ट्राइंगल्स बनने चाहिए थे बट सब्ट्रैक्ट द केसेस व्हेन द थ्री पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द सेम लाइन सेम ओल्ड लाइन सेम ओल्ड लाइन ठीक है तो जैसे कि यहां पे एक पुराना लाइन जो है ये वाला आपका है, इसी में से तीन पॉइंट ले लिया तो इसमें से हमें तो आंसर मस्ट बी आंसर मस्ट बी एन सी थ्री माइनस एन माइनस वन सी टू ना एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे एन माइनस वन पॉइंट होंगे एन माइनस वन सी टू इन टू एन कर दें ठीक है बच्चों इन टू एन क्योंकि लाइन से करना है हमें तो आंसर इसका फाइनली हो गया एन सी सॉरी ये जरा सा एक चीज गड़बड़ हो रहा है मुझे एन सी थ्री नहीं एन सी टू लिखना चाहिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑफ पॉइंट एन सी टू होगा ना राइट सो एन सी टू दैट इज कैपिटल एन सी थ्री तो कैपिटल एन सी थ्री माइनस एन इन टू एन माइनस वन सी ओ ये थ्री होगा ना सी थ्री सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार ये हाँ बच्चों तो ये जो है फाइनल इसका आंसर है एक ही लाइन एक ही लाइन पे एन माइनस वन पॉइंट थे उन में से तीन पॉइंट अगर चूज कर लिया जैसे मैंने केस छोटा सा के लिया था वो ट्रैंगल मैंने इन टू एंड दिस मस्ट बी द आंसर ठीक है ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो ट्रैंगल्स बनाना सर्कल्स को देखना सर्कल पर भी क्वेश्चन लिया है मैंने कर्व की बात कर रहे थे ना तो देखिए एन, एन सर्कल्स ऑन अ प्लेन डिवाइड तो ये अब आगे क्वेश्चन नंबर सेवन द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द कॉर्नर ए टू द अपोजिट कॉर्नर बी ऑफ एंड एट क्रॉस एट ग्रेड इफ ट्रैवल अलॉन्ग ओनली अलॉन्ग ओनली अलॉन्ग हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल लाइन तो राइट या शॉर्टेज पाथ की बात की शॉर्टेज पाथ ये आपको यहाँ से एट से बी तक जाना है और इसी की जैसे कि एक पाथ तो ये हो गया डायरेक्टली ए टू है या एंड देन टू बी अब हम मतलब टू एंड फ्रो वाला नहीं करेंगे कि बैक का ऐसा नहीं करें शॉर्टेज पाथ की बात चलिए एक सीधा टॉप से राइट जा सकते हैं एक आप कभी थोड़ा आगे बढ़ गए फिर इधर चले गए फिर थोड़ा सा इधर गए फिर ऐसे चले गए कुछ ऐसे फिर ऐसे ऐसे कैसे तो इन एवरी शॉर्टेज पाथ यू कैन सी कि जो राइट स्टेप्स हैं वो आठ हैं और ऐसे एम क्रॉस एन में भी कर सकते हो आप और अपर स्टेप्स भी आठ हैं, एट एंड एट तो इसे हमने हॉडिजेंटल जो है आठ लेने ट्रैवलिंग ट्रावल, एट एच एच मतलब हॉरिजेंटल एंड एट वीज ठीक है तो आपको बेसिकली करेक्ट करना क्या है इसको अरेंज करना है अरेंजिंग अब क्योंकि किस ऑर्डर में आप जैसे आपने तीन एच ले लिया एच 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 देन वी वी देन एच 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 देन वी 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 देन एच देन वी वी बेसिकली टोटल क्या है तो एच 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 वीज के अरेंजमेंट्स हैं एच 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 वी ऐसे करके लिया ठीक है वी एच एच जो मैंने फिगर बनाया उसको बना रहा हूं एच 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 देन वी 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 देन एच देन वी देन वी सोलो हो गए ना टोटल सिक्सटीन हो मैं काउंट कर रहा था तो so, यहाँ पे एट एच एंड एट वीज ये एक वन ऑफ द पाथ है तो so, आपको कोई भी पाथ जैसे टोटल तो जैसे स्टार्ट में जो मैंने बताया एच 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 एट एच लिख दो इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एट एच एंड एट तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटीन टोटल एट प्लस एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्योंकि आइडेंटिकल एच हैं आइडेंटिकल वीज हैं इन दोनों एच को आई मीन I mean, इसको मैं इंटरचेंज कर दूँ तो मीनिंग उसका सेम ही बन रहा है इन टू एट फैक्टोरियल तो होता ही है ना ये जैसे आइडेंटिकल या फिर सिक्सटीन प्लेसेज में से आठ प्लेस सिक्योर करने हैं एच के लिए सिक्सटीन सी ए डायरेक्ट कर सकते हैं इन जनरल इसका आंसर होगा इन जनरल अगर एम क्रॉस एन की बात करें तो वो हो जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ठीक है ये आंसर लिख सकते हैं इन जनरल एम क्रॉस एन ग्रिड के केस में ऑल्सो फाइन द नंबर ऑफ बाज विदाउट क्रॉसिंग द पॉइंट सी एज शोन जैसे यहाँ पे एट क्रॉस एट ही लिया गया है ना तो यहाँ पे सी पॉइंट पे कितने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच और फिर एक दो तीन तो ये ना फाइव क्रॉस फाइव कॉमा थ्री जैसे इसको मैं जीरो कॉमा जीरो बोल दूं और ये एट कॉमा एट है अगर कोर्डिनेट एक्सेस ले लें तो ये सी वाला पॉइंट है फाइव कॉमा थ्री तो आपको क्या करना है कि एक इस वाले ग्रेड को कंसिडर करना है और बाकी फिर इस वाले को कंसिडर करना है तो गोइंग आई मीन फंक्शन जैसे एम एन का है मान लो आंसर एम एन है तो इसमें ना माइनस करना पड़ेगा वो केस जब आप फाइव क्रॉस थ्री मतलब एट एट ले लेते हैं चलो जनरल नहीं रहते अभी एट क्रॉस एट मिले तो यहाँ पे हम करने वाले हैं एट एट वाला केस माइनस मतलब एफ इज़ द आंसर एफ एट मतलब यही वाला चीज़ है माइनस करेंगे वो केस जब हम करें विदाउट क्रॉसिंग तो हम सी को क्रॉस कर जाते हैं ना सी क्रॉस करने वाले कितने केस होंगे कि हम फाइव थ्री पे जाएंगे और फिर वर्क का सेकेंड पार्ट ए से सी पे जाएंगे सी से बी पे जाएंगे फिर हम जाएंगे जो सी से बी पे जाने के लिए देखिए यहाँ तीन है और यहाँ पे पाँच आएंगे तो यहाँ थ्री फाइव ये आंसर मतलब एज इफ़ कि हम ए टू बी जाना है इसको हमने डिफाइन किया है एज़ ए टू सी देन सी टू बी ये रिवर्स केस है हमारा ठीक है ना मतलब अपोजिट केस के लिए लिख रहा हूँ मैं अपोजिट केस वाला तो एक तरह से ये यह यहाँ पर आपका आ गया सिक्सटीन फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल माइनस यहाँ आ जाएगा एट फैक्टोरियल फाइव प्लस थ्री एट फाइव फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल और ये हो जाएगा फिर से थ्री प्लस फाइव एट फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल तो एक तरह से ये आप सीधा सिक्सटीन सी एट माइनस एट सी थ्री या फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हो तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन ग्रेड वाले लेकिन हाउ मेनी वेज़ इन हाउ मनी डिफरेंट रीजन एन स्ट्रेट लाइन नो टू आर पैरल नो थ्री लाइन्स आर कॉन ड्रॉन ऑन प्लेन विल डिवाइड द प्लेन ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन में दोनों पार्ट कर लिए ना आपने हाँ ठीक है दोनों पार्ट कर लिए ओके तो इस क्वेश्चन में आप देखें तो एन स्ट्रेट लाइन्स नो टू आर पैरल नो थ्री इस क्वेश्चन करने के बड़े सारे मेथड्स हैं बट आपको एक शॉर्टर बढ़िया अप्रोच बताता हूँ जिसमें कि एन लाइन्स हैं राइट जैसे कि ये प्लेन है मान लो प्लेन प्लेन है कोई लाइन ड्रॉ नहीं है तो एक प्लेन है एन इक्वल टू जीरो पे हमारा आंसर है वन चलो एन इक्वल वन से स्टार्ट करें अगर तो एनीकोल वन पे एक लाइन लोगे तो प्लेन के दो हिस्से हो जाएंगे दो सेक्शन दो रीजन बन जाएंगे दिस लाइन विल डिवाइड द प्लेन इंटू तो टू पार्ट्स लाइन पूरा ऐसे बनाया हुआ है अच्छा तो इसी तरह से दो लाइन के लिए फिर चार पार्ट हो जाएंगे तीन लाइन्स पे फिर आप सोचना कि एट आएगा ऐसा नहीं है तीन लाइन में देखो आप काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया और एक बीच में ये सेवन आ गया ठीक है तो ये इस तरह से आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि जैसे अब अगर मैं चौथा लाइन लेके आता हूँ ठीक है ना फोर्थ लाइन फोर्थ लाइन क्या होगा कितने नए रीजन्स बनाएगा सोचो आप इससे करते हैं क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे हम मान लें कि एक फोर्थ लाइन आया जो तीनों को हिट कर रहा है ऐसे करके मैंने बनाया लाइन फोर्थ लाइन के कितने हिस्से हुए अब देखो एक हिस्सा ये इंडिपेंडेंट जो सेपरेट हिस्सा है पार्ट्स हैं दो तीन और ये चार बेसिकली चार क्यों हुआ क्योंकि हर पुराना लाइन इस पे इसके पॉइंट ऑफ इंडिडेसन काउंट करो पॉइंट सबसे बेसिक चीज़ होता है ठीक है तो इस नए लाइन रेड लाइन पे नए फोर्थ लाइन के इंट्रोडक्शन में देखा हमने कि इस नए लाइन को पुरानी लाइन ने कितने जगह हिट करा हर एक लाइन ने एक बार हिट किया यानी एन माइनस यानी थ्री थे यहाँ पर तीन हिटिंग है पुराने ओल्ड थ्री इस तीन एक लाइन पे तीन अगर पॉइंट आप क्रिएट कर रहे हो तो वो उस लाइन के कितने हिस्से हो जाएंगे टोटल चार हिस्से हो जाएंगे जैसे इसका पहले का लेफ्ट में और फिर पहले सेकेंड सेकेंड थर्ड फिर थर्ड के राइट में चार हो गए और ये चार पोर्शन ना पुराने किसी रीजन में पड़ा है और उस रीजन का एक का दो हिस्सा बना रहा है आई I मीन mean, पहले वन काउंटिंग थी अब दो काउंटिंग एक और दो ये इसको डिवाइड कर दिया ना दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जिस पार्ट में वो गया जिस रीजन जिस पुराने रीजन ओल्ड रीजन में गया उसके एक का दो बना दिया राइट तो ऐसे करके यहां पे देखिए एक का दो हो गया और इसके यहां पे एक का दो हो गया एक का दो हो गया तो एक्स्ट्रा आपको चार मिल गए, ठीक है तो चार जोड़ दिया इसमें फिर अगले में पांच जोड़ देंगे तो ऐसे करके आप कर सकते हो या फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं रिकर्शन रिकर्शन यूज कर सकते हैं जनरल लेट द यूजिंग रिकर्शन लेट द आंसर बी सपोज टी एन तो टी uh, एन जो है क्या हो जाएगा टी एन हो जाएगा जैसे टी एन माइनस वन ओल्ड रीजन थे हमारे पास प्लस एनेथ लाइन न्यू एन लाइन ये एनेथ लाइन है पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेशन बनेंगे क्रिएट होंगे ये पॉइंट देख ध्यान सुनिएगा कितने पॉइंट पुराने एन माइनस वन लाइन क्रिएट करेंगे एन माइनस वन पॉइंट्स तो एन माइनस वन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से अगर किसी लाइन पे आप तीन पॉइंट बनाते हो तो चार हिस्सा बन गया दो पॉइंट बनाते हो तीन हिस्सा बनता है अब तीन पॉइंट यहां बना हुआ तो कितने हिस्से में कितने हिस्से में ब्रेक हो गया या नहीं चार लाइन में तो एन माइनस वन पॉइंट है तो प्लस वन इतने हिस्से बन जाएंगे और हर हिस्सा आपका एक एडिशनल काउंटिंग देगा आपको जैसे पहले ये वन काउंटिंग था इस इसकी काउंटिंग वन थी अब इसी काउंटिंग डबल हो गई वन वन ये वन ये वन एक का दो कर दिया ना तो अब हमें काउंटिंग एडिशनल कितने जितने पार्ट्स बने थे तो यही हो गया तो यानी कि टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन इज इक्वल टू एन आर है इसको हम अप्लाई करेंगे वी एन मेथड से करेंगे सिग्मा अप्लाई करेंगे एन इक्वल टू टू से लेके एन तक तो हमें क्या मिलने वाला है देखिए तो इधर मिलेगा और ऐड कर देंगे एन ऐड तो टी एन माइनस टी वन और ये टू से लेके एन तक ऐड करोगे तो एक तरह से मतलब देखा जाए तो सिग्मा एन है एन इक्वल टू 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 एन है और टी वन की वैल्यू कितनी है एक लाइन पे दो था टू था टी ज़ीरो से भी कर सकते थे वैसे आप एन ईक्लो वन टू एन डायरेक्ट कर सकते थे okay. इस केस में तो टी वन इज टू कि एक लाइन होने पे दो रीज़न था तो टी एन हो गया बेसिकली टू प्लस और ये कितना हो जाएगा एन इन टू एन प्लस वन बाई टू और एक एन ईक्ल टू वन माइनस कर देता हूँ फाइनल आंसर है एन स्क्वेयर प्लस एन मतलब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू है प्लस टू बाई टू ठीक है ना तो ये आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया इसको वैसे याद रखने के लिए आप एक काम और कर सकते हो इसको आप आंसर अगर देखें तो बड़े अच्छे फॉर्म में आ रहा है एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू ये भी सेम आएगा ठीक है ना एन सी नॉट इज वन एन इज एन एन सी वन इज एन एन सी टू एन इन टू एन माइनस वन बाई टू ये इतने रीजन uh, बनेंगे फाइनली एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू यह आंसर है अच्छा जैसे इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा जनरलाइज कर सकते हो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एन प्लेन से एक डायमेंशन बढ़ा दिए मैं मैं मैंने लाइन से शुरू करूँगा आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ यहाँ साइड में कि अगर पॉइंट एन पॉइंट एक लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है एन पॉइंट एक लाइन को एक लाइन पे एन पॉइंट है उस लाइन को कितने हिस्से में, कितने पार्ट्स में रीजन में रीजन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वो एन प्लस वन यानी कि एन सी नॉट प्लस एन सी वन दूसरा सिचुएशन है तो ये था पॉइंट एंड लाइन ये था पॉइंट एंड लाइन एन पॉइंट ऑन लाइन अब है एन ऑन अ प्लेन इसमें आपने देखा आंसर था एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू और इसी तरह का एक एक्सटेंशन और कर दें जनरल एन प्लेन्स इन अ रीज़न एन प्लेन्स इन स्पेस मैक्सिमम मैक्सिमम की बात करेंगे मतलब इसमें कोई भी तीन प्लेन कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए कोई भी दो प्लेन पैल नहीं होने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन कितने बनेंगे तो वो सीधा इसी फॉर्मेट में आ जाता है एन सी नॉट इसको प्रूव भी कर सकते हैं एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री ये आएगा बच्चों जिससे अच्छा रिजल्ट बिल्फुल रिजल्ट है इसको हम याद रह सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट मतलब एंड प्लेन्स विल डिवाइड इन हाउ मेनी मैक्सिमम रीजन्स विल डिवाइड द प्लेन विल डिवाइड द स्पेस एंड प्लेन्स आर देयर इन स्पेस तो बाई दो प्लेन्स इन स्पेस द स्पेस विल बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी मैक्सिमम रीजन्स दैट इज द आंसर इज एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री ये बताना चाह रहा हूँ ठीक है तो ये है बच्चों ये एन एथ लाइन लिखा था ना यहाँ पर ठीक है एंड या सो इसका और भी तरीका है जैसे मैं ना एक और तरीका अल्टरनेट बहुत अच्छा तरीका मैं बताना चाहूँगा डायरेक्टली एन सी टू वगैरह का क्या रीज़न है इस फॉर्म में क्यों आ रहा है इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर हमने सपोज़ uh, uh, कोई भी रीजन को ना उसके बाइजेक्शन प्रिंसिपल बेसिकली ये कि उसके डीपेस्ट पॉइंट कोई ना कोई उसका लोएस्ट पॉइंट होगा हर किसी फाइनाइट रीज़न में एक uh, लोअर मोस्ट पॉइंट होता है ठीक है ना अगर आप बोलोगे सर कोई लाइन हॉरिजेंटल हो गया हॉरिजेंटल को थोड़ा सा एक डिग्री या आधा डिग्री हाफ डिग्री आप टिल्ट कर दो तो उसमें ना कोई डिव... जैसे कि हर रीजन में एक ड्रॉप डाल दूँ पानी का तो वो ड्रॉप जो है कहाँ आगे गिरेगा यहाँ पे गिरेगा इस 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 रीजन में कोई ड्रॉप गिराऊँ तो यहाँ हर रीजन में मान लो कोई ड्रॉप गिराया गया तो यहाँ पे गिरेगा इसका जो है शायद ये ड्रॉप बाहर इसे तो एक ग्राउंड बना दूंगा ऐसे ग्राउंड तो ये ग्राउंड पे कितने होंगे ड्रॉप गिरेंगे तो ये ग्राउंड पे जो एक लाइन बनाया उसको भी लाइन की तरह डीट कर लें ग्राउंड को तो एन लाइंस थे ऊपर तो एन प्लस वन ड्रॉप गिरेंगे ग्राउंड पे एन प्लस वन ये हो गया देखिए आप और, और एन सी टू जो एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एवरी पॉइंट वुड बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली वन रीजन बाइजेक्शन एंड एवरी रीजन विल हैव द सेम डीपेट पॉइंट तो एन सी टू वो हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और नीचे जो ड्रॉप गिरे तो ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो ये एक बहुत अच्छा एक वर्बल सोल्यूशन आ गया एक कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन ठीक uh, है नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ने मैंने लिया इन हाउ मेनी डिफरेंट रीजन मैक्सिम पॉसिबल एन सर्कल मैक्सिमम पॉसिबल ली जाएगी कि हम वो केस नहीं ले रहे कि कोई भी दो सर्किल मीट ही नहीं कर रहे या तीन सर्किल सेम पॉइंट से जा रहे वो नहीं ले रहे हम मैक्सिमम रीजन्स पॉसिबल जो हो सकता है उसकी बात करेंगे जब कोई भी दो सर्किल मीट कर रहा है एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पे और कोई भी आ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉइंसाइड नहीं कर रहे जो डिफरेंट सर्कल्स मतलब कोई भी तीन सर्कल सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बना रहे ठीक है थीके? तो इन हाउ मेनी डिफरेंट रीज मैक्सिमम पॉसिबल एन सर्कल्स ऑन अ प्लेन विल डिवाइड द प्लेन इसको भी मान लो कि लेट द आंसर भी ना कुछ मान लो कि ए एन है या टी एन है ठीक है तो ए एन हम लिखेंगे कि ओल्ड जो हमारे पास सर्कल है और यार ये सर्किल थोड़ा अच्छा नहीं बना बहुत अच्छा तो नहीं बना सकते यहाँ पे सर्किल सर्कल ऐसे करके जैसे फोर्थ सर्किल आया तो फोर्थ सर्किल हर पुराने सर्किल को जो है कितने बार मीट करेगा जैसे दो बार मिला इसको फिर फर्स्ट वाला सर्किल को देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मीट कर रहा इस पर हर जैसे इस सर्किल को यहां पे और यहां पे मीट कर रहा है टोटल थ्री ऑल थ्री सर्कल से छः पॉइंट बन गए तो जैसे एनएच सर्किल का इंट्रोडक्शन जब हुआ पहले से एन माइनस वन सर्किल थे उसका आंसर था ए एन माइनस वन राइट तो उसका आंसर था सपोज ए एन माइनस वन अब एन एच सर्किल आ गया उसने क्या किया उस पर कितने पॉइंट आ गए पुराने सर्किल ने उसको मीट करा दो दो, दो दो जगह पे तो टू <laughs> कितने पॉइंट्स बनेंगे टू इन टू एन माइनस वन क्योंकि हर एन माइनस वन सर्किल दो बार मीट करेगा टू टाइम्स एन माइनस वन ये जितने भी पॉइंट्स बने इस पर उनको अगर आप ज्वाइन करो जैसे इन इन दोनों के बारे में सोचो कि ये दोनों इससे जो पार्ट बना सर्किल का आर्क ऑफ सर्कल ये पार्ट ऑफ सर्किल ये किसी ना किसी रीजन में पड़ा होगा और उस रीजन को जो अर्लियर हम वन काउंट कर रहे थे अब उसको दो काउंट कर रहे हैं पहले हमने इस रीजन को एक काउंट किया था ना कि ये एक रीजन है जब एन माइनस वन सर्कल्स थे अभी इसके पार्ट के आने से वजह से ये दो में एक का दो हो गया एक का दो एक तो मतलब एडिशनल कितने हो गए जितने पार्ट बने कितने पार्ट बने अच्छा सर्किल पे अगर आप सोचो कि मैं चार पॉइंट बना रहा हूँ तो इसे पांच पार्ट नहीं बनता चार ही पार्ट बनता है वन क्योंकि राउंड है ना सर्किल में दो थ्री फोर चार ही बन रहे चार पॉइंट ऑफ इंडिशनल लोगे गए तो इसे लाइन में क्या होता है चार से पाँच बन जाता है सर्किल में चार का चार ही बनेगा क्योंकि राउंड राउंड घूम के वापस आ मिल गया ना सो इतने ही हो गए टू इन टू एन माइनस वन ही पॉइंट ऑफ इंडेशन थे प्लस वन नहीं करने जा रहा मैं जैसे लाइन में मैंने बाद में आप देखेंगे प्लस वन किया था ना ये प्लस वन तो एन माइनस वन प्लस वन किया था यहाँ टू इंटू एन माइनस वन ही रह गया प्लस वन नहीं कर रहे तो यही रिकर्शन बन रहा है यहाँ पे तो इसमें ना अप्लाई सिग्मा करेंगे अप्लाई सिग्मा एन इक्वल टू 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 एन और देखते हैं कि क्या बनता है तो इसमें एन एड तो इसमें जो है ए एन आ जाएगा और टू जब डालोगे तो ए टू ए वन रहेगा और प्लस आएगा टू सिग्मा एन माइनस वन कर देते हैं एन इक्वल टू 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 एन तो ये जो वैल्यू है ए वन की वैल्यू कि कितनी है ए वन वन सर्किल पे दो रीज़न था वन सर्किल पे एक बाहर का रीज़न है एक अंदर का रीज़न है तो यहाँ टू है इसकी वैल्यू ये टू और ये हो जाएगा एन माइनस वन इन टू एन बाई टू ये टू टू कट गया तो आंसर है एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस टू ये इसका आंसर है ये फाइनल आंसर है टू दिस क्वेश्चन ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नंबर टेन इन साइड हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स इन साइड हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स वन क्रॉस वन और डायगोनल ऑफ एम क्रॉस एन रेक्टेंगुलर ग्रिड विल एंटर अच्छा एक कोई जैसे यहां पे हमारे पास आ, कोई जैसे मैं यहां पे ना फोर क्रॉस फाइव जैसे सोचता हूँ ये फोर क्रॉस फाइव का एक ग्रेड मान लो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कुछ ग्रेड प्रॉब्लम्स लिए मैंने इस फोर क्रॉस फाइव को अगर बात करें तो अगर मैं डायगोनल बनाता हूँ इसका तो आप देखिएगा ध्यान से कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से इसका डायगोनल बना दिया तो क्या लग रहा है कोई भी इसका मिड पॉइंट ही आएगा डायगोनल का और आ, कुछ इस तरह से ये बनने वाला है ध्यान से देखिए तो ये कितने स्क्वेयर्स के अंदर से जा रहा है देखना जो तो ध्यान से देखना कितने स्क्वायर के अंदर से गया ये फोर क्रॉस फाइव के केस में लेट फोर क्रॉस फाइव ठीक है फाइव हॉरिजेंटल हो गया ना वन टू थ्री फोर फाइव वर्टिकल में चार हो गए कितने के अंदर गया वन टू थ्री फोर जैसे वन टू थ्री क्वेश्चन समझ में आ रहा है कितने वन क्रॉस वन स्क्वेयर के अंदर ये इंटर किया है वो हमें इसके अंदर भी इंटर किया है ऐसे इसके अंदर इंटर नहीं किया तो ये हम नहीं ले रहे तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ गया तो आंसर एट आ रहा है एट बेसिकली क्यों आया इसको कैसे जनरलाइज करें तो थोड़ा जनरल में कैसे सोचें एक्चुअली क्या है कि इस डायगोनल के हिस्से कितने है? जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना ये वाला लाइन वाला कितने हिस्से किए पार्ट बना है ना ये मैं कह रहा था कि नए लैंड से कितने हिस्से बन गए ये हिस्सा ये हिस्सा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना बहुत यूजफुल होता है आप इस डायंगल पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखो आप एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है ये हॉर्जेंटल से हा सारे ऑरिजेंटल से देखो टकरा रहा है ये हॉर्जेंटल बीच में कितने हैं बीच में ऑरिजेंटल होंगे तीन और वर्टिकल बीच में कितने हैं चार वन टू थ्री फोर हॉर्जेंटल बीच में वन टू थ्री ये चार और तीन सात हो गया तो सात पॉइंट बने इसके एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़ के अंदर सात बने और इस सात पॉइंट से कितने जैसे कि एक लाइन पे अगर आप सात पॉइंट बनाओ तीन चार पाँच छः सात कितने हो जाएंगे आठ हिस्से हो जाएंगे एट आंसर है एंड इन 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 लेट फाइव आंसर इज एट तो बेसिकली आंसर इसमें एट आ रहा है ठीक है ना तो ये बेसिकली कितने वर्टिकल हॉरिजिन कितने थे थ्री और फोर थ्री प्लस फोर सेवन इसके पॉइंट्स ऑफ इंडिशन आए थे और हर पार्ट दो पॉइंट ऑफ दोन के बीच का जो पार्ट है वो किसी ना किसी स्क्वेयर के अंदर जा रहा तो उस स्क्र की काउंटिंग उस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं राइट तो यहां पर तो कितने पॉइंट ऑफ इंडिशन बने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इनसाइड हो जाएगा थ्री प्लस फोर सेवन तो आंसर इस हिसाब से फिर एट है ठीक है ना तो इन जनरल क्या होगा अच्छा ये कैसे इंश्योर होगा कि ये आ, अंदर किसी कॉमन कॉर्नर से नहीं जा रहा कॉमन कॉर्नर से नहीं जा रहा देखिए इफ आ, मतलब एम एन आपका को प्राइम है मतलब ये त, पता है जब एम एन में कुछ कॉमन फैक्टर होगा तभी ये कॉमन कॉर्नर से जाएगा जैसे आप अगर आ, फोर क्रॉस सिक्स बनाएंगे ना तो टू क्रॉस थ्री के दो ब्लॉक बन जाए जैसे मैं फोर क्रॉस सिक्स सिक्स बनाता हूँ फोर क्रॉस सिक्स का बनाता हूँ सपोज मैंने फोर अरे यार ये अच्छा नहीं बन रहा भाई ये देखो अरे गड़बड़ हो ही गया ना बच्चों कोई बात नहीं फोर क्रॉस सिक्स का बनाते इसमें ना ये वाला मिड पॉइंट जरूर आएगा इसमें तो ये प्रॉब्लम करेगा लेकिन जैसे ये ना टू क्रॉस थ्री का बन गया एक ब्लॉक और एक ब्लॉक इधर से आपका टू क्रॉस थ्री का बना तो आप इसको बस हैंडल करना है। मतलब यहाँ से लेके कर यहाँ तक का एक समझ लो कि टू क्रॉस थ्री का ग्रेड बना और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा बन गया तो इसमें कितने होंगे टू क्रॉस थ्री में तो इन जनरल ये इसमें जो ना जनरल में क्या आएगा एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन ठीक है प्लस वन मतलब अगर मैं ही करना चाह रहा हूँ बेसिकली इसको रहने दे जनरल वाले को तो इफ एम एन हैज नो कॉमन फैक्टर एम कॉमा एन हैज नो कॉमन फैक्टर इसका मतलब क्या है दैट इज जी सी डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एन इज वन दे आर को प्राइम देन आंसर हो जाएगा आंसर अभी भी देखा आपने एम माइनस वन अंदर जो पॉइंट मतलब मैं इस इसको जरा से यहां से सज करूँ ना प्लस एन माइनस वन प्लस वन ठीक है दैट इज आप कह सकते हैं एम प्लस एन माइनस वन इज़ द आंसर ठीक है ये आंसर हो जैसे फोर क्रॉस फाइव यानी नाइन था ना एट आंसर आ रहा है एम प्लस एन फोर प्लस फाइव माइनस वन क्योंकि समझाया मैंने क्योंकि अंदर जो कितने पॉइंट ऑफ इंडिशेषन आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए अंदर कितने पॉइंट ऑफ इंड बने हर आ, इनर जो आपके तीन हॉरिजेंटल थे और इनर चार वर्टिकल थे जैसे चार फोर क्रॉस फाइव लिया था ना तो यहाँ थ्री क्रॉ एंड फोर इनर वाले सारे इसको हिट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे कितने पॉइंट ऑफ इंडेशन बने सात थ्री प्लस फोर सेवन और प्लस वन सेवन जब लाइन लेते हो आप तो एट पार्ट में हर पार्ट किसी न किसी अंदर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर गया है तो ये एम प्लस एन माइनस वन हो जाएगा आंसर अगर आपने जी सी डी वन लिया है इन जेनरल इन जनरल जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इफ जी सी डी ऑफ एम एन इज़ सम मान लो कि कुछ ले लेते हैं डी uh, ठीक है दैट इज हम कह सकते हैं कि एम इज एम वन डी एन इज एन वन डी वे जी सी डी ऑफ एम वन कॉमा एन वन इज वन हमने मैक्सिमम कॉमन फैक्ट्री निकाल दिया ग्रेट इज कॉमन फैक्ट्री निकाल दिया तो अब देखोगी दिस एम क्रॉस एन ग्रेड को ग्रेड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इज इक्वाल एन टू डी एम वन क्रॉस एन वन ग्रेड डी डी एम वन क्रॉस एन ग्रेड्स में ग्रेड कन्वर्ट हो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं सिक्स क्रॉस फोर को हमने टू थ्री क्रॉस टू में कन्वर्ट किया एक थ्री क्रॉस टू का ये ग्रेड है और एक थ्री क्रॉस टू का ये ग्रेड है अब इस वाले में अलग काउंट कर लेते हैं इस वाले में देख लेते हैं कितने बन गए उतने इंटू टू कर दिया नहीं तो अब आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन फाइनल जनरल आंसर ये हो जाएगा आपका राइट। इन एम वन क्रॉस एन वन तो एम वन प्लस एन वन माइनस वन टाइम्स डी दिस मस्ट बी देंसर उतने जैसे कि ना आप जैसे कि अगर नाइन uh, क्रॉस uh, uh, जैसे सिक्स क्रॉस फोर था नाइन क्रॉस सिक्स लोगे तो थ्री क्रॉस टू के ना तीन बन जाएंगे थ्री क्रॉस टू थ्री क्रॉस टू थ्री एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक ऐसे कॉर्नर वाइज तो हर सब में वो थ्री क्रॉस टू में तो फिर वही आएगा थ्री प्लस टू माइनस वन यानी फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व हो जाएंगे ऐसे ही एम प्लस एम वन प्लस एन वन माइनस वन टाइम्स डी तो ये बन गया बेसिकली एम वन डी प्लस एन वन डी माइनस डी तो एम वन डी इज वॉट एम इज एन माइनस डी तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों ठीक है ना मतलब आपका आंसर फाइनली हो रहा है वेयर यहाँ लिख देता हूँ वेयर डी इज जी सी डी ऑफ एम एन यह आंसर है अगर मैं और इन जनरल बात करूँ इन केस ऑफ एक अच्छा रिजल्ट बताता हूँ इन केस ऑफ सपोज एम क्रॉस एन क्रॉस पी ब्लॉक ब्लॉक मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा क्यूबाइड 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 नंबर uh, ऑफ वन क्रॉस वन क्रॉस वन क्यूब्स इन साइड वेज इन साइड वेज बॉडी डायगोनल एंटर्स ये पता क्या आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एम प्लस एन प्लस पी माइनस जी सी डी ऑफ एम एन ये जनरल रिजल्ट है आप इसको चाहो तो एनालाइज कर सकते हो इन सिमिलर वे जी सी डी ऑफ एम पी जी सी डी ऑफ ये जी मीन जी सी डी लिखना चाह रहा हूं मैं जी सी डी ऑफ एम सॉरी एन पी और प्लस ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आएगा जी सी डी ऑफ एम एन पी ये एक जनरल बढ़िया रिजल्ट है वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट ठीक है तो एक एम क्रॉस एन क्रॉस पी का एक क्यूबाइड है एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर आप वन क्रॉस वन के ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दें प्लेन वायरल प्लेन्स लेके तो फिर उसमें कितने बॉडी डाइंगल कितने वन क्रॉस वन क्रॉस वन क्यूब्स के अंदर एंटर करेगा तो वो आंसर है जनरल इन जनरल जिसमें जी सी का कंसिड्रेशन है एम प्लस एन प्लस पी माइनस जी सी डी ऑफ एम एन माइनस जी जी डी ऑफ एम पी माइनस जी डी ऑफ टू अरे टाइम लिया है एन पी प्लस जी सी डी ऑफ एम एन पी ये आंसर आएगा इन जनरल और यहाँ तो आंसर आपने देखा एम प्लस एन माइनस डी डी इज दी डी ऑफ एम एन क्वेश्चन नंबर इलेवन सो द लास्ट क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर एलेवेन में इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल द यूनिट स्क्वेयर्स ऑफ एन एम क्रॉस एंड ग्रेड नंबर्स वन और माइनस वन स प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन ईच रो एज वेल एज इन कॉलम इज वन मतलब ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने मान लो मैं इसकी ही बात करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ वन टू थ्री फोर ले लेते हैं ये फाइव क्रॉस फोर ग्रेड की बात करते हैं ठीक है जो एम क्रॉस एन बी जर्नलाइज कर देंगे सिमिलर लॉजिक uh, से देखिए इसमें फाइव क्रॉस फोर यानी तीन दो पाँच ट्वेंटी ब्लॉक्स हैं अंदर वन क्रॉस वन के सब में एक, -एक नंबर आपको भरना है वन या माइनस वन या तो वन भरोगे या किसी एक नम, वन से भर सकते हैं या माइनस वन से किसी एक से आपको फिल करना है एवरी वन क्रॉस वन स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज फिल्ड बाई वन और माइनस वन बट कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि यहाँ एंड में जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो यहाँ पे तो इन चारों का प्रोडक्ट वन आना चाहिए ठीक है ये जो भी प्लस माइनस आप कर रहे हैं प्लस वन या माइनस वन फिर इन चारों का प्रोडक्ट वन आना चाहिए इन पांचों का सॉरी इन पांचों का प्रोडक्ट वन आना चाहिए फिर इधर वन आना चाहिए इधर का भी और कॉलम वाइज भी ऐसे ही वन आना चाहिए वन यहाँ भी वन ऐसे करके तो अब इसको कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं शुरुआत से अगर अब आप रैंडमली करोगे तो प्रॉब्लम आएगी हम क्या करते हैं हमारा जो है ना कई चीज़ों का फ्रीडम होता है और एंड में हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जैसे मैं शुरुआत में ना बड़े मज़े से भर रहा हूँ इस चार को रो वाइज चल रहा हूँ मैं ठीक है इस चार को मैं कैसे भी भर दूँ एंड आई विल टेक केयर फॉर द फिफ्थ वन फॉर द कंडीशन आई विल टेक केयर ऑफ द कंडीशन फॉर वाइल्ड फिलिंग द लास्ट वन फिफ्थ वन इसको भरते वक्त मैं ध्यान रखूंगा तो यहां पे जैसे मान लो कि ये इन चारों का जो भी प्रोडक्ट आ गया अगर प्लस वन आ रहा प्रोडक्ट यहां वन लिख दूंगा और यहां माइनस वन आएगा तो माइनस वन ली दूंगा। मतलब फिफ्थ के लिए एक ही चॉइस है करस्पॉन्डिंग टू एवरी केस ऑफ फर्स्ट फोर फिलिंग्स एंड फर्स्ट फोर फिलिंग्स कैन बी डन इन टू डेज पॉर फोर वेज टू डेज फॉर फोर फिर इसके लिए टू डेज फॉर फोर मतलब आप समझ लो कि यहां से यहां तक बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों अगर <laughs> हम बात करें सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ चला गया अभी हम कुछ भर रहे थे इसमें अच्छा एलेवन ये क्वेश्चन अलग है सम ऑफ द नंबर्स इज ओ सॉरी ये क्वेश्चन कुछ मिस हो गया यार यहाँ पे कुछ राइट right. कोई नहीं मैं फिर से बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपको ना यहाँ से यहाँ तक का जो ना फ्रीडम है आप जैसे सॉरी चलो ठीक है मतलब मैं ना फिर से बता रहा हूँ जैसे कि अगर हम बात करें इसकी तो आपको जो फ्रीडम है वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा फ्रीडम है विदाउट एनी कंडीशन रेस्ट्रिक्शन इसको फिल कर देते ठीक है एक एक कम करके एम माइनस वन एन माइनस वन इसमें सब में दो दो चॉइस बनेंगे राइट तो टू रेज टू दम माइनस वन इंटू एन माइनस वन का जो कितने स्पेसेस एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन ठीक है ना एक एक स्ट्रिप छोड़ दिया ये वाला स्ट्रिप मैंने छोड़ दिया यहां पर ठीक है ना <laughs> इसको लीव करते हुए सॉरी हम्म हमने बढ़ाए अब ये जो हमने अभी ब्लॉक बनाया था ये वाला इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है फॉर एवरी ब्लॉक दे आर टू वेज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने कितने ब्लॉक्स हैं कितने स्पेसेस हैं कितने प्लेसेस हैं एम माइनस वन इंट एन माइनस वन अब जो आप यहाँ पे भरोगे ये इसके लिए यूनिक चॉइस है इसके लिए देखिए दो चॉइसेस हैं इसके लिए दो चॉइसेस हैं इसके लिए दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं सबके लिए दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं और इसके लिए हमारे पास यूनिक चॉइस है वन लास्ट वाले के लिए अगर मैं ला इसको लास्ट मान रहा हूँ ठीक है ना इसके लिए वन ऐसे इसके लिए वन तो अब देखिए कि ये हो गया और इसके लिए भी वन तो अब यहाँ पे ये है कि इसके लिए कितने चॉइस हैं अब ये देखना पड़ेगा लास्ट एक बचा इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान सोचो थोड़ा दिस इज गिविंग स्टेज द माइंड इसके लिए भी एक ही चॉइस है बिकॉज इसका जो साइन होगा वो डिसाइड होगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ दि दी, दिज ऑल आर फेल्ड ये साइन लेकिन अगर हो सकता है इसका जो साइन आ रहा है यहाँ पे वो इसके साइन से मैच ना करे ऐसा हो सकता है ये नहीं हो सकता बिकॉज ये जो तीनों का प्रोडक्ट है वो एक्चुअली इन चार इन चार इन चार यानी कि इन ट्वेल्व का प्रोडक्ट मतलब तो इन चारों का प्रोडक्ट यहाँ के बराबर है इन चारों का प्रोडक्ट यहाँ के बराबर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है इन ट्वेल्व का प्रोडक्ट है बेसिकली और ऐसे इन चारों का प्रोडक्ट क्या है इस तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन ये ट्वेल्व का प्रोडक्ट है तो इस चारों का प्रोडक्ट वही है जो इस तीनों का प्रोडक्ट है एक्चुअली वो दो दोनों इन ट्वेल्व के प्रोडक्ट्स के बराबर हैं तो इन दोनों का साइन सेम आएगा तो जो भी साइन आएगा उसके क्रॉस पानी यहाँ पर यूनिक जैसे अगर पॉजिटिव साइन है तो प्लस वन लिखेंगे नेगेटिव तो माइनस वन लिखेंगे तो वन यूनिक साइन है यहाँ पर तो इसके लिए मतलब आपको एम माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन ग्रेड को फिल करना था एकदम फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रेस एकदम इसको फिल कर दो एज़ पर योर विश कुछ भी भर दो टू 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 ऑप्शन हैं टू रेस पर एम माइनस वन एन माइनस वन और लास्ट ट्रिप के लिए हमारे पास देखा हमने सारे केसेस देख लिए सबके लिए एक एक, एक चॉइस है इसके लिए भी एक ही चॉइस तो यही आंसर हो जाएगा इन टू वन हो जाएगा सो दिस इज़ द आंसर इन जनरल राइट बच्चों क्लियर है तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन फाइनली टू डेज पर एम माइनस वन एन माइनस वन ठीक है अगर थ्री क्रॉस थ्री होता तो टू डेज पर टू इंटू टू दैट इज टू डेज पर फोर दैट इज सिक्सटीन केसेज आ जाते जा आप काउंट भी कर सकते हैं छोटे के फिगर में अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब देखो ये ऑलमोस्ट एंड पे आ गए नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग एन क्रॉस एन ग्रेड विद वन और माइनस वन दैट इन एवरी टू क्रॉस टू ब्लॉक द सम ऑफ नंबर्स इज जीरो ओके जैसे कि ये टू क्रॉस टू ब्लॉक है टोटल वेज अगर देखा जाए अगर कोई कंडीशन ना हो तो टू डेज पर एन स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना दो दो दो, दो जाएगा। लेकिन हमें एक कंडीशन के साथ चलना है सो आंसर मस्ट बी लेसर दैन दैट मच लेसर इन फैक्ट होगा देखते हैं टू क्रॉस टू में इससे तरह है कि सम ऑफ नंबर जीरो होना चाहिए यानी टू प्लस वन और टू माइनस वन भरना है आप ठीक है ना तो ये ग्रेड वाला क्वेश्चन है जोमेटिकल पैटर्न में तो यहाँ पे क्या है कि दो वन दो माइनस वन जाना है लास्ट क्वेश्चन की तरह भी मैं बोलूँगा कि आप ना किसी जैसे रो 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 से स्टार्ट करें फर्स्ट रो में आप फ्री हो जितना फ्री है ना उसको लेके चलना चाहिए पहले कुछ भी भर दिए यार सेकेंड रो में केयर कर लेंगे यहाँ अगर दोनों वन आ गए तो यहाँ दोनों माइनस वन कर दूंगा यहाँ वन और माइनस वन आए तो एक वन माइनस वन यहाँ पर फिर दो चॉइस हो गई वन यहाँ माइनस वन यहाँ या माइनस वन यहाँ वन यहाँ, यहाँ लेकिन सेकेंड रो में हमें प्रॉब्लम आ सकती है बट फर्स्ट रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट रो को फिल करने कितने वेज हैं टू डेज टू द पावर एंड क्योंकि फर्स्ट रो में कितने ब्लॉक्स हैं एन ब्लॉक्स सेकेंड रो में एन है एन 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 हर ब्लॉक हर रो में ब्लॉक्स हैं तो फर्स्ट रो में टू डेज पर एन है लेकिन इसमें क्या है एक चीज़ आप थोड़ा इसको जब और सोचोगे थोड़ा टाइम लगाओगे तो आप कुछ बातें यहाँ क्लियर होंगी कि जैसे हम ना कुछ ना वो क्लियर मैंने पहले ही कर दिया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि सपोज़ हम यहाँ पे अगर फर्स्ट रो को फील कर रहे हैं आप ठीक है अगर मैंने सपोज फर्स्ट रो में सारे नंबर सेम लिए, या फिर कहीं पे भी कुछ सेम आ गया या वन माइनस वन या वन यहाँ वन आ गया कोई भी दो कॉन्जर्गेट अगर सेम आ गया तो ये नीचे वाला ये दोनों फिक्स हो जाएगा लेकिन अगर दो सेम नहीं आया तो फिर नीचे वाले के लिए फिर दो चॉइस हैं वन माइनस वन के रेस्पॉन्डिंग यहां पे वन यहाँ माइनस वन या फिर माइनस वन वन आ जाएगा क्योंकि ओवरऑल हमें दो वन दो वन दो वन ऑलरेडी आ, आ चुका है तो यहाँ तो पक्का है माइनस वन माइनस वन ही आ गया तो ये ऊपर वाला अगर दो सेम है तो नीचे वाले फिक्स हो गए फिर ये भी फिक्स हो जाएंगे उस हिसाब से क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम फिर ये दोनों उप, सेम बट अपोजिट साइन का तो ये मतलब उसके ऊपर वाले के अपोजिट साइन ये पूरा हमारा डन हो जाएगा फिलिंग यहाँ पर है तो ये दिक्कत आएगी नीचे दिक्कत आ सकती है मतलब एम्बिगिटीज बनी रहेगी तो ये जो चीज़ है इसको कैसे हम कैडल करें टैकल करें आई I मीन mean, ठीक है कैटल करें तो देखिए मैं ये कहता हूँ ध्यान से देखना कि थोड़ा सोचने पे पता लगेगा आपको कि अगर यहाँ पे दो सेम है तो इधर तो कभी भी किसी भी जगह कोई भी कॉलम देख लो आप दो सेम हो ही नहीं सकता रीजन कि यहाँ सेम है तो यहाँ पे दोनों आएगा ऐसे फिर ये दोनों वन आएंगे फिर दोनों माइनस आएंगे सही ना किसी भी टू क्रॉस टू में हमें क्या देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर आप देख सकते हो कि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों यहाँ सेम हो ही नहीं सकता कहीं ना कहीं पे ये दोनों भी अपोजिट होगा ये दोनों भी अपोजिट होगा साइन में समझ रहे हैं तो अगर यहां पे मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां पे दोनों साइन अगर सेम है रो में तो कॉलम में दोनों साइन से साइन सेम नहीं हो सकता किसी भी जगह पे किसी भी जगह पे तो मैं क्या करने वाला हूँ ऊपर के ना टूरेस्ट पर एंड में से दो के जिसमें कि साइन ऑल्टरनेट हैं वो केस माइनस कर रहा हूँ ऊपर के टू डेज पर एन में से दो केस माइनस कर रहा हूँ इसमें साइंस एटलीस्ट मतलब आई एम कंसिडर द केस वेन टॉप रो इज फिल्ड ये टॉप रो की बात चल रही है टॉप रो को फिल करने के टोटल टू माइनस डेज पर एन केसेज हैं उसमें तो दो केस माइनस कर रहा हूँ जब ऑल्टरनेटली फिल कर गए वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस ऐसे करके या फिर माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वाला फिल किया गया टॉप रो पे वो दो केस माइनस कर दिया है, तो इसमें वो केस बचेगा व्हेन एट लीस्ट टू कन्जर्गेटिव साइंस आर सेम टू कंजर्वेटिव प्लेसेज आर फिल्ड बाई सेम साइन सारे ऑल्टरनेट नहीं है उसमें क्या होगा कि फिर नीचे सारा हमारा जो है फिक्स हो जाता है नीचे बाकी कॉलम वाइज अगर देखें आप तो ये सारे फिक्स हो जाते हैं ये सारे आपके फिक्स हो जाएंगे क्योंकि तो ये दोनों साइन सेम हो ही नहीं सकता अभी All right, ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर टॉप रो पे से में तो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे जो भी लिखा गया होगा ना इनिशली ये तो हमने भर दिया है तो उसके हिसाब से ना आपका यहाँ पे साइन alternate आना है alternate आना है जैसे यहाँ कुछ बड़ा मालूम वन भरा यहाँ माइनस वन यहाँ वन यहाँ माइनस वन ऐसे करके आ जाएगा ये पूरा सारे एक साथ फिक्स हो जाएंगे ऊपर आपने भर दिया ना जैसे वन माइनस वन भरा फिर वन वन भरा तो अब आप चेक कर सकते हो कि सारे नीचे वाले सेम हो गए अगर ऊपर के टॉप रो में कम से कम दो कन्जर्वेटिव वाले सेम साइन के हैं प्लस वन प्लस वन जैसे मैंने यहाँ लिए और ऊपर के टॉप ऊपर का टॉप रो पूरा भर चुका है तो यहाँ पे क्योंकि सेम साइन हो नहीं सकता क्योंकि स्टक हो जाएगा आप सोचो कि अगर मैं बोलूँ कि ऊपर प्लस वन प्लस वन है तो इधर ये मैंने समझाया था अर्लियर कि यहाँ पे सेम नहीं ले सकते आप यहाँ पे भी सेम ले लोगे सपोज यहाँ पे भी आपने कहीं पे मान लो आगे चल के मैंने माइनस वन माइनस वन ले लिया या वन वन ले लिया तो फिर यहाँ पे भी वन वन हो जाएगा फिक्स ये दोनों सेम आ जाएगा फिर ये दोनों सेम है फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे बट ये कह रहा है कि ये दोनों सेम है ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब ये दोनों सेम और ये दोनों सेम यानी ये तीनों सेम तीन साइन सेम तो ही नहीं सकते ना यहाँ पे किसी भी टू क्रॉस टू में ये एक स्टक वाला स्टिक वाला सिचुएशन आगे यहाँ पे आप स्टक कर जाओगे रुक जाओगे यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ये कंडीशन फाइनली तो अगर ऊपर में दोनों दो कम दो से कम दो कंशन में तो इधर रो में तो फिर कॉलम में दो कंजर्वेटिव सेम नहीं हो सकते तो वो अपने आप फिल हो जाएंगे यूनिक तरीके से तो इसमें आंसर यही हो जाएगा दिस इज द केस वेन टॉप रो इज फिल्ड बाई टू रेज फॉर एंड माइनस टू वेज इसमें टोटल टू रेज फॉर एंड थे इसमें दो के जरा दिए गए ऑल्टरनेट वाले उसी तरह से जब हो सकता है कि हम नाइनटी रोटेशन पे मतलब ये सोचें कि मतलब ये सोच रहे हैं कि आ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलम में दो सेम है फिर ऊपर नहीं है अगर अल्टरनेट आएंगे सारे ऊपर वाले सारे अपने आप फिल फिल हो जाएंगे तो इसमें डबल से हम मल्टीप्लाई करना चाहिए ये टॉप रो वाला था ये आ, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉलम का ले लेते हैं तो ये भी सेम आएगा उतने ही तरीके होंगे इसका भी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में टू डेज पर एन माइनस टू और सारे बाकी फिल हो जाएंगे एक तरीका एंड क्या बच गया वेन ना तो किसी रो में दो कंजर्वेटिव सेम साइन पे हैं और ना तो कॉलम में तो वो तो फाइनली दो ही तरीके हैं ऑल अल्टरनेट ऑल अल्टरनेट वाला चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज तो वो दो ही तरीके हैं जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और सब में चेंज कर दीजिए ऐसे ही माइनस वन से अगर ये ये प्लस वन से स्टार्ट हुआ या माइनस वन से उसके हिसाब से दो केस बन जाएगा ये आंसर हो जाएगा इनको ऐड कर लेते हैं टोटल आंसर हो गया टू डेज पर एन माइनस टू प्लस टू डेज पर एन माइनस टू प्लस टू तो इसको आप देखें तो फाइनली आगे टू डेज पर एन प्लस वन माइनस टू अगर जैसे एट क्रॉस एट हो तो टू डेज पर नाइन माइनस टू यानी पांच सौ दस फाइव हंड्रेड टेन आंसर आएगा केस पॉसिबल ठीक है बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज दट नो थ्री डायगोनल एक एन साइड पॉलीगन है उसके डायगोनल्स को कनेक्ट कर दिया तो डायगोनल से है ना अब डायगोनल्स हम बना दें अगर जैसे डायगोनल्स से ये डायगोनल बनाया ये डायगोनल बनाया ठीक है ना फिर ये डायगोनल बनाया इससे एक ट्रायंगल बन गई ये ट्रायंगल ऐसे ही बड़े सारे बन सकते हैं आई मीन जैसे ये बनाया इंटीरियर पॉइंट सपोज नो थ्री डायगोनल्स पूरा द नंबर ऑफ रीजन इन टू वेज द पॉलीगन इज डिवाइड बाय इट्स डायगोनल्स ये भी डायगोनल्स हैं ये भी एक ट्रायंगल है ये भी एक ट्रायंगल है ठीक है ना ऐसे करके बड़े सारे हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ कि सपोज आपने ये बनाया तो देखो ये वाला एक ट्रायंगल आ रहा है ऐसे करके कितने ट्रायंगल्स बनेंगे ये हमें काउंट करना है ठीक है ना मतलब तीनों साइड जो ट्रायंगल का वो डायगोनल होना चाहिए बेसिकली तो अगर आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे बन रहा है एक बड़े सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये वाला ट्राएंगल पहले वाला ये था तो जो हमने पहले शेड किया था ऑलराइट सो यू डोंट हैव टू काउंट दिस बिकॉज इसमें ना डायगोनल से नहीं बना रहा। एक साइड है पॉलीगन का तो ये uh, प्रूफ करना है हमें इसको मैंने बच्चों ना दिया है एज अ टीजर क्वेश्चन बेसिकली ये बताना चाहता हूँ समझाया मैंने तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एंड में हम टीजर क्वेश्चन देते हैं दैट इज़ दिस तो इसको आप ट्राई करना और डेफिनेटली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ट्राई कीजिए और प्रूव करने के लिए दिया है तो रिजल्ट आपके सामने छोटे फिगर में आप लेके कर सकते हो मैं क्लब के बारे में बताना चाहता हूँ आपको आ, पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में आ, हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि आ, एक लव बेस्ट प्रोग्राम है फॉर दोज एसपेन्ट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नेक्स्ट ईयर जो अभी जेई देंगे अगले साल 2023 में रिवीजन प्लान अगर आप कर रहे हो तो इससे बढ़िया कोई भी प्रोग्राम नहीं है पूरे हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर सकते हैं हम कहीं पर भी इस लेवल पे रिवीजन नहीं कराया जाएगा पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया एकदम बहुत सिंसियरली और सीरियस तरीके से टेस्ट प्लान हैं सारे औरिजनल पेपर्स हम बनाते हैं पूरा टाइम देते हैं और उसके अलावा जो भी उस करिकुलम है जो अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे उस पर रिव्यू रिव्यू क्लासेस लगेंगी आपकी जो आ, कुछ कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है अलग से आप टीचर से कनेक्ट करोगे इफ़ यू आर पार्ट ऑफ ए क्लब प्रोग्राम तो टाइम टू टाइम इसमें थ्योरी क्लासेस होती नहीं होती हैं Uh, कई सारे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के मतलब सेग्रीगेटेड लेवल वाइज जो है मेंस एंड एडवांस के ठीक है uh, बनाए गए हैं तो उसमें डाउट uh, क्लासेस होते हैं सारी एवरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा लिंक्स हैं क्यू आर कोड है इसको स्कैन करें और इस पर यूल गेट एवरी यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एकलवी प्रोग्राम एकलव्य में आप गूगल करके भी जाके पता कर सकते हो एकलवी प्रोग्राम की डिटेल में काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा आपको एक फीडबैक मिलेगा जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं गिवेन द पॉजिटिव फीडबैक्स उनको अपनी जो उन्होंने फील uh, किया ड्यूरिंग द एक्टर प्रोग्राम वो आपको शेयर करेंगे तो ये आप गेट ऑटोमेटिकली हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पर पुराने बच्चों से पूछें और इस पर सारे यूजफुल लिंक और अपडेटेड प्रोग्राम uh, के जो भी हैं वो सारे कैरिकम पता चल जाएंगे इफ़ यू आर गोइंग टू गिव जई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो यहाँ भी, भी टेलीग्राम लिंक है इसके थ्रू आप सारे डिटेल्स मिल जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस्परेंट इफ यू आर गोइंग टू गिव जेई 2024 तो आपको फिर यहाँ पे भी सारे फ्यूचर प्लान्स मिल जाएंगे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और के वी पी वाई के हमारे वीडियोज़ जो आई एस आई या सी एम आई के जो मैथ्स में आप दे रहे हैं वो आप देख ही रहो तो उसमें वी इम्पैक्ट चैनल है हमारा यूट्यूब का उसमें भी सारे डिटेल्स हैं आपके क्यू आर कोड यहाँ से कर सकते हैं आप इसमें स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने आई टी जई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में किए हुए हैं काफ़ी ईयर्स के फोर टू फाइव ईयर्स के मिल जाएंगे मिनिमम फाइव ईयर्स का तो है ही लास्ट फाइव ईयर्स का और उसके आ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमने हर क्वेश्चन के सिंगल वीडियोज़ बनाए और बहुत आराम से इतमान से समझाया गया है क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोचेज से बताया गया है तो बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा आपको और कहीं पर ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल सकता आई टी जी सिमिलरली के पी आई का जो एग्ज़ाम होता था उसके मैथ्स मैथ्स में मतलब हर सब्जेक्ट में इनफैक्ट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते थे तो उसको भी हमने कंपाइल करके इसके भी काफ़ी ईयर्स के वीडियोज़ बनाए दिस में भी यूजफुल इन जेई ऑल्सो आई एस आई एंड सीएम आई ऑल्सो आई एस आई एंड सी एम आई भी अभी काफ़ी कुछ चल रहा है काम और उस पर भी हम धीरे धीरे दे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं बट ये आई जेई और कहीं भी आए तो काफ़ी सारे यस के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे वीवी इम्पैक्ट चैनल पर इंपॉर्टेंट है और ये टीजर क्वेश्चन मैंने समझाई दिया है इसको ट्राई करो एंड इफ यू गेट दोल्यूशन करेक्टली इफ यू डू द क्वेश्चन करेक्टली तो सेंडस आई मीन इस सोल्यूशन को आप जो हैं थ्रू दिस मेल इकला विपोर्ट एट द रेट ऑफ वेदांत डॉट कॉम सेंड अस योर सोल्यूशन एंड नेवर आई मीन डोंट फॉगेट टू राइट द सब्जेक्ट नेम है यहाँ पे सब्जेक्ट नेम मैथ्स लिखना आपको एंड वील चेक योर सोल्यूशन एंड इफ वी लाइक इट विल रीच आउट टू यू ऑन द सेम ई मेल आई डी थ्रू विच यू हैव सेंट द सोल्यूशन आई मीन दिस मेल आई डी पे रिलीज टू यू ठीक है इफ यू सी योर सोल्यूशन इज करेक्ट इफ यू लाइक योर सोल्यूशन यू कैन बी पार्ट ऑफ एकलाव्य प्रोग्राम ऑल राइट बच्चों सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन आज काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन लिए काफ़ी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग काफ़ी सारे जनरलाइज वर्जन मैंने बताया आपको और जो टीचर क्वेश्चन दिया उसको ट्राई करना वो भी बड़ा अच्छा जोमेट्रिकल प्रॉब्लम है स्टार्टिंग विद द इनिशियल बेसिक प्रॉब्लम लिया था मैंने बट ये भी इंटरेस्टिंग है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज सेशन व बाई टेक केयर सी यू एंड हैप्पी दिवाली आज के लिए uh, और टेक uh, केयर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीक हर वीक में वीडियोज़ अपलोड होता है तो आप प्रीवियस वीक्स के वीडियोज़ भी देखिए काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाए गए व बाई टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीक टेक केयर